नमस्कार आदाब सतल एंड वेलकम टू मैं इंडिया बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर ट्वेल्थ तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट और जब हम कहते हैं सारा एजुकेशन तो हम लिटरली उसे फॉलो करते हैं किंडी गार्डन से ट्वेल्थ तक के सारे सब्जेक्ट्स सारे टॉपिक सारे क्वेश्चन आपको कुछ भी पढ़ना हो तो आपका एकमात्र दोस्त आपका बेस्ट फ्रेंड है मैडर बेन जहां पे आप ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं हमारे लेक्चर्स को थ्रू यूट्यूब चैनल या फिर हमारी वेबसाइट या फिर हमारी ऐप के थ्रू हमारी वेबसाइट और ऐप को भी यूज करने का आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है आप किसी भी सेशन को कितने भी बार और कितने भी सारे सेशन को कितने भी

हम आपको देते हैं मैथ साइंस सोशल साइंस एंड मेंटल एबिलिटी के अलग अलग टीचर्स जो आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं मेरा नाम है राहुल मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर और मैं ध्यान रखता हूं आपके एन के मैथमेटिक्स का मैथमेटिक्स में हम लोग फिलहाल कर रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कक्षा दसवीं में पहली बार आप पढ़ते हैं इसे टेंथ के पहले कभी आपने इसे नहीं देखा होता लेकिन टेंथ में पहली बार आप देखते हैं तो एन में इसके सवाल आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं कि भाई बच्चे ने दसवीं की गणित पढ़ी है या फिर नहीं पढ़ी है तो एन में जो हम लोग का पैटर्न रहा है हर पिछले काफी समय से कि पहले हम कॉन्सेप्ट रिव्यू करते हैं फिर लेवल वन क्वेश्चन करते हैं फिर लेवल टू क्वेश्चन करते हैं उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी मजबूत करते हैं तो इस सेशन में हम आ गए हमारे चौथे पड़ाव पे जिसका नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम इस सेशन में क्या करेंगे 2018 से लेकर 20 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं जो कि अलग अलग राज्य में पूछे गए हैं उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जो कि इन क्वेश्चन की सेम स्टेट में रिपीट होने की या दूसरे स्टेट के एग्जाम में आ जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है तो जब आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा कि सवाल कैसे बनते हैं और कैसे उन्हें अप्रोच करना है और कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं अगर आपको मेरी ये सारी बातें समझ में आ गई और अच्छी लगी हैं तो प्लीज नीचे लाइक का बटन उसे प्रेस कर दीजिए वही हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है और हम अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं तो प्लीज डू दैट चलिए शुरू करें आज का सेशन पहला सेशन है भैया कि आपको यहां इक्वेशन दी गई है कॉस थर्टी डिग्री एक्स प्लस साइन थर्टी डिग्री वाई इज इक्वल टू थ्री आंध्र प्रदेश राज्य का सवाल है आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू इसका सोल्यूशन है तो सबसे पहले यहां पे हम क्या करेंगे इक्वेशन को एक रूप रूप में ले आएंगे सर कैसा रूप? देखो और की जगह अगर वैल्यूज होती तो हमें कितना आसान होता है यहां पर सॉल्व करना लेकिन वैल्यूज नहीं है तो अब हम वैल्यूज लाने का प्रयास करेंगे जैसे यहां पर आप देखें कॉस थर्टी की वैल्यू कितनी होती किसी को याद है क्या <coughs> सर कॉस थर्टी होता है रूट थ्री बाय टू ठीक है इन टू एक्स प्लस साइन थर्टी होता है आपका वन बाई टू वाईल टू थ्री तो यह आपकी इक्वेशन हो गई कि रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस वन बाई टू वाई इज इक्वल टू थ्री अब आपको क्या करना है आपको बताना है इनमें से कौन सी वैल्यू इसका सोल्यूशन है तो हम एक्स और वाई की वैल्यूज हर एक पेयर में से पिक करेंगे इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे अगर इक्वेशन सेटिसफाई हो गई तो मतलब हमारा आंसर है इक्वेशन सेटिस नहीं हुई तो टाटा बाय बाय। अब जैसे पे है बाई तो वाई की जगह आप लिखेंगे थ्री और, और अगर ऐसा लिखने पे आपका आंसर आ जा रहा है सिक्स तो मतलब इक्वेशन सही है यहां पे आप चेक करें सर यहां टू से टू का रूट थ्री बचेगा और यहां बचेगा थ्री बाय टू विच इज नॉट इक्वल टू थ्री तो मतलब पहला पॉइंट जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मतलब वो सॉल्यूशन नहीं है वेरी सिंपल चलिए इसको हमने हटा दिया अब आ जाओ दूसरे वाले पार्ट पे दूसरा क्या है सर जीरो सिक्स है उसको भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जीरो कॉमा सिक्स को तो एक्स की जगह आ जाएगा यहां पे कितना जीरो तो रूट थ्री बाय टू इंटू आप करेंगे जीरो प्लस यहां पे आएगा वन बाय टू इंटू आप करेंगे सिक्स क्या इसको रखने पे आपका जवाब आ रहा है यहां पे थ्री एक बार चेक करो सर ये हो जाएगा जीरो तो सिक्स बाय टू हो जाएगा थ्री और वही हमारा आंसर होगा कितना सिक्स बाय टू आ जाएगा थ्री तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो सकता है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया तो ऑप्शन बी वाला जो यहां पे इन चारों में से ऑप्शन है उसको हम यहां पे हाईलाइट कर सकते हैं कि फिलहाल के लिए तो अभी ये जनाब लग रहे हैं आगे की बात देख लेते हैं चलिए अगला पॉइंट क्या है हमारा सर अगला पॉइंट है टू कॉमा थ्री टू कॉमा रूट थ्री माफ कीजिएगा और जीरो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं तो सर यहां पे है रूट थ्री बाय टू एक्स की जगह आप लिखेंगे कितना तो सर एक्स की जगह हम लिखेंगे यहां पे टू कॉमा टू रूट थ्री प्लस हाफ आ जाएगा यहां पे हाफ के साथ कितना सर हाफ के साथ आ जाएगा यहां पे वाई की वैल्यू दैट इज जीरो पे टू से टू कैंसिल रूट थ्री से रूट थ्री मल्टीप्लाई तो केवल थ्री और प्लस जीरो तो आंसर आएगा थ्री मतलब ऑप्शन ये जो सी वाला पार्ट है ये भी हमारा जवाब सही मैच कर रहा है तो ऑप्शन ए होने के आंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है पर अभी हम अंत रिजल्ट नहीं बताएंगे जब तक हम चौथा पॉइंट चेक ना कर लें अब चौथा पॉइंट देखो क्या बोल रहा है जीरो कॉमा टू, कॉमा टू रूट तो रूट थ्री थ्री तो इंटू करेंगे आप जीरो रूट थ्री बाय टू इंटू आप करेंगे जीरो प्लस वन बाय टू में इंटू आप कर देंगे कितना तो सर वन बाय टू में हम इंटू कर रहे हैं टू रूट थ्री सॉल्व करें सर ये तो हो जाएगा जीरो इधर पे हो जाएगा टू से टू कैंसल केवल रूट थ्री विच इज नॉट इक्वल टू थ्री इन एनी केस तो मतलब बी और सी मतलब ऑप्शन ए जो हमने मार्क किया था वही सही जवाब है उसी को मार्क करते हुए हाईलाइट करते हुए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे समझ में आया आपको जी सर उसके पहले आगे बढ़ने से पहले मतलब कंप्यूटर जी जवाब वेरीफाई करेंगे उनका जवाब भी है ऑप्शन ए बी एंड सी हमारा जवाब भी वही था तो स्क्रीन क्लियर अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है बोला भैया ध्यान रखना पता चला नहीं पढ़ना भूली जाओ तो करेक्ट वाला मार्क करके आ जाओ तो पहला या दूसरा में से कोई एक मार्क कर दो फिर बोल दो कि का जवाब गलत कैसे हो गया तो ध्यान से पढ़िएगा बेटा चलो पहला पार्ट है उसका यदि प्लस इक्वल टू फाइव तो टैन स्क्वायर प्लस इक्वल टू ट्वेंटी थ्री होगा देखो यहां पर प्रूफ कैसे होता है सर दोनों का स्क्वायर कर दीजिए तो इन जनाब का स्क्वायर और फाइव का स्क्वायर यहां आपको मिलेगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू टैन थी थीटा, थीटा ठीक है इज इक्वल टू फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव अब ये तो जगत को पता है कि टैन थीटा और कॉट थीटा आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे तो यहां आपके पास बचेगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट कैंसल होने के बाद यहां बचेगा प्लस टू इज इक्वल टू ट्वेंटी जो प्लस टू है साइड चेंज करेगा तो माइनस टू हो जाएगा तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री हमारा आंसर होगा कितना ट्वेंटी थ्री तो मतलब यह स्टेटमेंट पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा वो ट्रू होगा तो नॉट करेक्ट के केस में ये जनाब हार जाएंगे कि ये जनाब तो ट्रू है जबकि आपको क्या चाहिए आपको तो फॉल्स चाहिए तो ये जनाब लाल हो गए मतलब हट गए रेस से अगला सवाल देखो इफ द पेयर ऑफ लीनर इक्वेशन हालांकि क्वेश्चन लीनर इक्वेशन का है लेकिन क्योंकि चैप्टर ट्रिगो के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसलिए यहां पर है क्या बोला आपसे कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है अगर आपको याद होगा रिविजन आपने किया है अच्छे से तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है कि सर रेशियो बराबर होना चाहिए मतलब चार बटे आठ बराबर होगा पांच बटे के के जो कि बराबर होगा नौ बटे अठारह के और जैसा कि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं रेशियो आ रहा है वन बाय टू क्योंकि फोर टू जा एट नाइन टू एटीन तो फाइव टू हो जाएगा टेन तो मतलब के की वैल्यू टेन आना यहां पे सही है इसका मतलब ये सवाल भी या फिर ये जो आपका ऑप्शन है वो भी ट्रू है तो मतलब हमारा जवाब नहीं हो सकता क्योंकि हमें false वाला चाहिए ठीक है चलो फोर्टी फाइव चलिए कितना होता है सर कॉजेक्ट सिक्सटी की वैल्यू याद नहीं है साइन सिक्सटी याद है जी हाँ सर रूट थ्री बाय टू कोजेक्ट सिक्सटी कितना हो जाएगा सर टू बाय रूट थ्री एक्सैक्टली उल्टा प्लस 45 होता है एग्जैक्ट तो वैल्यू नहीं दिया, आपको यहां पे दिया गया है कौन सी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री वाली वैल्यू टैन सिक्सटी होता है रूट थ्री सेक फोर्टी फाइव हो जाएगा रूट टू ठीक है बिकॉज साइन फोर्टी फाइव कॉस फोर्टी फाइव होता है वन बाय रूट टू तो सेक हो जाएगा उसका एग्जैक्टली exactly रेसिप्रोकल तो रूट टू इन दोनों वैल्यूज़ को हमने यहां पुट करना है चेक करना आंसर सही आ रहा है कि नहीं चलिए तो टू बाय रूट टू इंटू वाई करके चेक करना है चलिए तो यहां आ जाएगा इंटू रूट थ्री यहां आ जाएगा इंटू रूट टू जितना गणित मैंने पढ़ा है यहां पे रूट थ्री से रूट थ्री मतलब आपके पास टू बचेगा रूट टू से रूट टू का मतलब वन बचेगा दो और एक जोड़ के तीन आएगा जो कि चार के बराबर नहीं है तो मतलब ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं मतलब इसका ग्राफ इस पॉइंट से पास नहीं होगा तो मतलब यहां पे जो स्टेटमेंट लिखा है पासिंग थ्रू द पॉइंट वो स्टेटमेंट क्या है सर वो स्टेटमेंट गलत है तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा क्या होगा आंसर ऑप्शन सी ऑप्शन सी हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर होगा कि क्योंकि यह स्टेटमेंट नॉट ट्रू है मतलब फॉल्स है तो इसको हम अपने जवाब के रूप में मार्क करेंगे ठीक है एक बार चौथा भी देख लेते हैं यदि अल्फा बीटा जीरो हैं, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो जाएगा टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होता है सर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा कि हाँ बिल्कुल टू होता है तो यह स्टेटमेंट भी क्या है सही है तो उसको हम मार्क नहीं कर सकते इसको हमने लिखा ट्रू तीन स्टेटमेंट ट्रू एक फॉल्स तो वही हमारा आंसर ऑप्शन सी कंप्यूटर जी प्लीज जवाब वेरीफाई करे उनका जवाब भी है ऑप्शन सी हमारे जवाब जैसा तो यहां पे स्क्रीन क्लियर अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब यहां पे है आपको बोला गया यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन है तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी अब यहां पे देखो सबसे पहले तो अगर आप साइन थीटा की बात करें यहां पे आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भैया साइन इक्वल टू वन माइनस है कि भैया साइन थीटा इज इक्वल टू कॉज स्क्वायर थीटा इन दिस केस नॉट ऑलवेज केवल यहां पे इस सवाल के हिसाब से ये सही है हर जगह मत अप्लाई कर देना इसको ठीक है चलिए अब यहां पे अगर आप देखें आपके सवाल को तो यहां इस पार्ट पे जरा ध्यान दो ये पहली की चार वैल्यूज पे क्योंकि बाद की चार वैल्यूज तो मैनेजेबल है पहली की चार वैल्यूज पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये स्पेशल एक पैटर्न फॉलो कर रहा है सर क्या पैटर्न है तो यहां देखिए कॉस ट्वेल्व को मैं लिख रहा हूं कॉस की पावर फोर थीटा होल पावर थ्री <coughs> क्या ये चलेगा चार और तीन कितना हो जाता है <coughs> सर मल्टीप्लाई करने पे बारह बिल्कुल ठीक प्लस थ्री इंटू कॉस फोर थीटा का स्क्वायर ठीक है इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है इसलिए मैं इसको ऐसे अच्छे से लिख रहा हूं ताकि आप पूरा एक्सप्लेन कर सकूं आपको फिर थ्री इंटू कॉस फोर थीटा इन टू कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और साथ में यहां पे है प्लस ज स्क्वायर थीटा का होल क्यूब ठीक है मैंने क्या किया मैंने जो तो चार वैल्यूज थी इनको थोड़ा सा यहां पे आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया कि ये एग्जिस्ट कैसे हुई ये बनी कैसे और अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली ये है ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब और जितना हमने गणित पढ़ा है तो इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब तो मतलब यहां पे हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा यहां पे एक ही जगह आ जाएगा कॉस फोर ठीक है कॉस फोर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब कोई दिक्कत कोई शंका नहीं सर बाद में अगर आप देखेंगे तो दो कॉस फोर थीटा प्लस दो कॉस थीटा माइनस वन है आप चाहे तो इस पूरे में से प्लस टू कॉमन ले सकते हैं अंदर आपके पास बचेगा कॉस फोर थीटा ठीक है प्लस कॉस माइनस वन इज इक्वल टू हमें पाइन करना तो चलिए अब यहां पे आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है साइन थीटा के बराबर अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर कर दूं तो आपको मिलेगा कि जनाब साइन थीटा होता है इस केस में केवल यहां इस सवाल में कॉस फोर थीटा के बराबर आपने क्या किया दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया अब आपका जो ये पूरा क्वेश्चन है ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे एक्चुअल इंफॉर्मेशन के टर्म्स में कैसे देखिए यहां पे कॉस फोर थीटा की जगह हम लिख रहे हैं यहां पे क्योंकि कॉस फोर थीटा है साइन स्क्वायर के बराबर तो आपने रिप्लेस कर दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा क्या इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर इसका होल क्यूब करना है हमें यहाँ पे हो जाएगा टाइज ऑफ कॉस फोर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा इनकी वैल्यूज देखो हमें सवाल में दी है कैसे सर साइन प्लस साइन स्क्वायर साइन प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू वन है तो यहां पे हो जाएगा वन क्यूब प्लस टू इंटू साइन स्क्वायर प्लस साइन है वन तो वन माइनस वन मतलब ये तो हो जाएगा जीरो तो कुल मिला के यहां पे बच गया वन क्यूब प्लस टू इंटू जीरो जीरो मतलब वन टू इंटू जीरो जीरो तो वन हो जाएगा आपका आंसर यहां पे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं बिल्कुल नहीं सर आसान था प्रश्न जी हां सर बिल्कुल क्या वन रूपी ऑप्शन है हमारे पास बिल्कुल है सर ऑप्शन ए के रूप में तो उसको हम अपने जवाब के रूप में मार्क करके आगे बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्या था कैसे आपने इन चार टर्म्स को इन चार टर्म्स को आपने क्या किया यूज करके ये बताया कि इनसे आप कैसे आइडेंटिटी बना सकते हैं और अपना आंसर बता सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो देखो पहली बार जब आप करोगे थोड़ा घबरा जाओगे पर क्योंकि अब हमने प्रैक्टिस कर लिया हमने देख लिया कि भैया किस पावर के साथ क्या होता है तो आप एक अटेम्प्ट तो जरूर मारेंगे कि सर ऐसे सॉल्व हो सकता है क्या ठीक है चलिए कंप्यूटर जी कृपया जवाब को वेरीफाई करें उनका जवाब भी है ऑप्शन ए वन हमने भी ऑप्शन ए वन पे हाईलाइट किया है तो वही हमारा आंसर होगा स्क्रीन हो जाएगी यहां पे क्लियर और हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलिए अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है बहुत अच्छा सा थ्यो यहाँ पे क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो का कहा पूछा गया भैया आसाम में पूछा गया था कि एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ हॉरिजोंटलीट अब हॉरिजोंटल प्लेन ग्राउंड ठीक है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इट पास प्लेन वर्टिकली बिलो इट ओके एट दिस इंस्टेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एस 30 एंड 60. देखो यहाँ पे अब कहानी कुछ ऐसी है जितनी मैं अभी तक समझ पाया हूं कि एक ग्राउंड है थोड़ा ग्राउंड को ऊपर ले जाएं ताकि हम तो ये रहा आपका ग्राउंड ठीक है इस पर एक पॉइंट है यहां से आपने दो प्लेन को ऑब्जर्व किया जो कि एग्जैक्टली exactly एक दूसरे के नीचे है ठीक है और इनके बारे में आपको क्या बताया गया है कि भैया इनका एंगल ऑफ एलिवेशन आपके लिए यहां पे बताया गया तो देखो ये पहला प्लेन है मान लो ठीक है सर वैसे तो प्लेन ऐसा नहीं होता है गोल गोल से पर हमने बनाया ताकि हमारी थोड़ी डायग्राम नीट बने चलिए अब दो प्लेन से दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन तो इन जनाब का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है सर 30 डिग्री और दूसरे जनाब का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री ठीक है चलिए अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि जो ये पहला वाला प्लेन था ऊपर वाला वो है 3150 मीटर की दूरी पर आपसे क्या बोला जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स तो इस पार्ट को आपको पता करना है जिसको मैं यहां पे फिलहाल एक्स लिख रहा हूं कैसे पता करोगे सर दोनों में कॉमन पॉइंट है ये जमीन तो क्यों ना हम पहले इसकी चर्चा कर ले तो यहां पे हम वाई लिख रहे हैं अब यहां पे सबसे पहले शुरू होगा बड़ा ट्राइंगल जिसका एंगल कितना है साठ डिग्री है तो अब क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर के साथ खेल रहे हैं तो टेन सिक्सटी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज थ्री वन फाइव जीरो अपॉन बेस दैट इज वाई तो टेन सिक्सटी होता है रूट थ्री इज इक्वल टू थ्री वन फाइव जीरो अपॉन वाई तो यहां से मिलेगा आपको वाई रूट थ्री इज इक्वल टू थ्री वन फाइव जीरो आप चाहें तो इसमें से y यहां पे निकाल सकते हैं और बोल सकते हैं कि होगा थ्री वन फाइव जीरो अपॉन रूट थ्री इसको भी सिंप्लीफाई करने का ऑप्शन है हमारे पास पर हम पहले देख लेते हैं बाकी क्या लग रहा है उसके हिसाब से फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे दूसरा ट्राइंगल जिसकी हमें जरूरत है यहाँ पे वो है टैन थर्टी वाला वो हमें बताएगा कि जो दूसरा प्लेन है उसकी दूरी कितनी है जमीन से तो भाई तो उनके बीच का गैप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा फिर माइनस करना पड़ेगा टैन थर्टी हो जाएगा यहाँ पे थ्री वन फाइव जीरो नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा सर उस वैल्यू को तो हम मान लेते हैं चलिए कुछ भी ए बोल देते हैं तो ए अपॉन वाई ठीक है टैन थर्टी होता है वन बाय रूट थ्री इज इक्वल टू ए अपॉन वाई तो यहां से आपको पता चलेगा कि y की वैल्यू है y अपॉन रूट थ्री इज द वैल्यू ऑफ a y की वैल्यू है कितनी सर y की वैल्यू है थ्री वन फाइव जीरो अगर आप यहां पे निकालना चाह रहे हैं y अपॉन रूट थ्री तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा सर यहां पे हमें इसको अगर सॉल्व करना है, तो देखिए यहां से क्या मिलेगा आपको कि y रूट थ्री इज इक्वल टू थ्री वन फाइव जीरो ठीक है ये सही है बिल्कुल सर यहां पे जब आप उसको रैशनलाइज करेंगे तो आपको मिलेगा रूट थ्री, थ्री टू ए। आपने रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया वाई रूट थ्री की वैल्यू है थ्री वन फाइव जीरो तो अब तो कैलकुलेशन आसान हो गई आपने लिखा थ्री वन फाइव जीरो होल डिवाइड बाय थ्री इज इक्वल टू ए क्योंकि वाई रूट थ्री आपने डिफाइन कर दिया इकतीस पचास थ्री वन जी जीरो थ्री फाइव फिफ्टीन तो एक हजार पचास दूरी है सर दोनों को माइनस कर देते हैं तो भाई इकतीस पचास में से एक हजार पचास माइनस तो आपके पास बच गए यहां पे इक्कीस सौ क्या कोई ऑप्शन है हमारे पास बिल्कुल है सर ट्वेंटी वन हंड्रेड इज द गैप बिटवीन और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन क्या आपको यह समझ में आया आपने पहले बड़े वाले प्लेन या फिर जो ऊंचा वाला प्लेन है उसकी मदद से ग्राउंड का डिस्टेंस निकाला फिर ग्राउंड के डिस्टेंस की मदद से आपने जो दूसरा प्लेन है जो कि निचले लेवल पे घूम रहा है उसकी हाइट निकाली फिर दोनों को माइनस करके दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला चलिए इक्कीस मीटर हमारा आंसर है कंप्यूटर जी एक बार वेरीफाई करेंगे उनका जवाब भी है इक्कीस मीटर तो यहां पे यह सवाल आसानी से समाप्त स्क्रीन क्लियर करें चलिए स्क्रीन हो जाएगी क्लियर अगला प्रश्न है यहां पे कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है आर स्क्वायर के बराबर और एक्स की वैल्यू आपको दी है वाई की वैल्यू दी है आपको जेड की वैल्यू बतानी है चलिए अब सर जिसकी वैल्यू पता है वो रखते जाते अब जैसे आपको एक्स की वैल्यू पता है तो सबसे पहले रख दो तो सर एक्स स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर कॉज स्क्वायर ए और यहां पे हो जाएगा कॉज स्क्वायर बी ठीक है फिर आपने बोला सर वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर कॉज स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी चलिए बहुत बढ़िया प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वल टू आर स्क्वायर ये हमें बताया गया है ठीक है चलिए अब यहां पे अगर आप ले लेते हैं इन दोनों में से पहले दोनों में से आर स्क्वायर कॉज स्क्वायर कॉमन ठीक है तो आपने क्या बोला आर स्क्वायर कॉज स्क्वा कॉमन लेना है आपको क्या बचेगा अंदर सर अंदर बचेगा कॉज स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी अब इन दोनों को तो आप काफी समय से जानते हैं क्या होता है कॉज स्क् प्लस साइन स्क्वायर बी सर एंगल सेम है तो दोनों हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर को ऐड करने पे वन तो आर इंटू कॉज स्क्वायर इंटू वन करना मतलब आर इंटू कॉज स्क्वायर ए इज प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना स्क्वायर अब आप क्या करेंगे सर जेड स्क्वायर को इधर रख देते हैं बाकी पूरा वहां चले जाएगा ठीक है भैया आपकी बात मान ली माइनस किया तो आर स्क्वाज स्क्वायर ए अब माइनस क्यों होगा क्योंकि जनाब ये पॉजिटिव था साइड चेंज करेगा तो नेगेटिव जेड स्क्वायर निकालने के लिए आप आर स्क्वायर कॉमन लेंगे अंदर आएगा वन माइनस कॉज स्क्वायर ए ये भी कोई नई चीज नहीं है वन माइनस स्क्वायर ए का सीधा सीधा क्या मतलब है सर उसका मतलब होता है इट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अब देखो सब जगह स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे कुल मिला के कहानी का सार क्या बचेगा कि सर जेड की वैल्यू हो जाएगी आर साइन ए क्या कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर स्क्वायर था तो सब जगह पे स्क्वायर रूट लग जाएगा जेड का स्क्वायर रूट z r स्क्वायर का uh, स्क्वायर रूट r साइन स्क्वायर a का स्क्वायर रूट साइन a तो हमारा ऑप्शन होगा कि z की वैल्यू है r साइन a के बराबर जो कि ऑप्शन a में हमें ऑप्शन d में माफ कीजिएगा दिख रही है समझ में आया आपको कहीं कोई दिक्कत तो नहीं बिल्कुल नहीं सर आसान प्रश्न था चंडीगढ़ राज्य में पूछा गया अगर आपके राज्य में आ जाए तो मजा ही आ जाएगा कुछ खास करने की जरूरत नहीं थी चलिए कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई ऑप्शन डी हमारा भी सही कंप्यूटर जी ने भी हामी भर दी है अगला प्रश्न है टोवाइज ऑफ साइन सिक्स प्लस कॉ सिक्स थीटा माइनस थ्री साइन फोर प्लस कॉस फोर इक्वल टू इनमें से कौन सा जवाब ठीक है अब देखो यहां पे सबसे पहली बात तो ये जो है, ये जो पावर्स नेचुरल आपने कभी देखी नहीं पर हाँ, इन पावर्स तक पहुंचना आपके लिए असंभव नहीं है सर वो कैसे तो देखो सबको पता है कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है अब इसमें आप अगर इनका पूरे का स्क्वायर कर दो आपको ये मिल जाएगा पूरे का क्यूब कर दो आपको यह मिल जाएगा लेकिन साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होंगी जिन्हें आपको मैनेज करना पड़ेगा है कि नहीं चलिए यहां पे देखते हैं जब आप पूरे का स्क्वायर करेंगे आपको मिलेगा यहां पे होल स्क्वायर किया आपने तो यहां आ गया वन स्क्वायर तो यह हो गया साइन फोर थीटा मतलब पावर फोर थीटा प्लस कॉस पावर फोर थीटा क्योंकि पहले से स्क्वायर है और आपको होल स्क्वायर करने के लिए एक और बार स्क्वायर करना पड़ेगा फिर आप करेंगे प्लस टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा और कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन अब आपने यहां पे देखा यहां पे आपको क्या चाहिए तो आपको चाहिए साइन फोर थीटा ठीक है प्लस कॉज फोर थीटा आंसर क्या आएगा आपका सही आएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा ठीक है आपको चाहिए इंटू थ्री तो लगे हाथ इंटू थ्री भी कर देते हैं ताकि हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है तो जब आप इंटू थ्री करेंगे दोनों साइड से ठीक है तो इस तरफ आपको मिलेगा थ्राइज ऑफ साइन फोर थीटा प्लस मतलब ब्रैकेट के अंदर है यहां पे और बीच में प्लस है देखो तो प्लस कॉज फोर थीटा मतलब हम सही जा रहे हैं और जब आप इंटू थ्री करेंगे तो थ्री माइनस सिक्स साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा ये रिजल्ट आपको दिख गया क्या कि आपने आपने होल स्क्वायर किया तो आपको रिजल्ट मिल रहा है मैं रिजल्ट ऊपर लिख देता हूं ताकि हमें याद रहे कि दिस इज चेंजिंग टू नाउ थ्री माइनस सिक्स साइन थीटा कॉज स्क्वायर थीटा ठीक है ये सवाल यहां पे हो गया एक पार्ट अब आ जाते हैं होल क्यूब करने पे तो इसको मैं दोबारा इरेज करके दोबारा सॉल्व करने का प्रयास करूंगा लेकिन अब की बार क्या होगा पूरे का क्यूब होगा ठीक है जगह थोड़ी कमी आपको पता ही है तो कृपया थोड़ा सा देख के चलें ये हमने इसको लाके क्या रिजल्ट आएगा इसके टर्म्स में वो देख लिया यहां देखो आपने करना है पावर सिक्स तो आप करोगे क्या आप करोगे होल क्यूब तो शुरू तो वहीं से होगा भैया तभी तो पावर सिक्स आएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू वन क्यूब यहां हो जाएगा साइन सिक्स कैसे सर स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो पावर छे ये भी हो जाएगा कॉस सिक्स थीटा प्लस होगा यहां पे क्या सर प्लस थ्री ए बी मतलब थ्री इन टू साइन स्कोर थीटा थीटा और मल्टीप्लाई होगा आगे थ्री ए बी और ए प्लस बी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहां पे है वन ठीक है क्योंकि वन का क्यूब तो वन ही होता है अब इन दोनों को तो हमें चाहिए तो हम ऐसे ही लिखेंगे साइन स्क्वायर साइन सिक्स थीटा माफ कीजिएगा प्लस कॉस की पावर सिक्स थीटा ये हो जाएगा प्लस थ्री साइन थीटा और कॉस थीटा केवल तो क्योंकि जो, जो ब्रैकेट के अंदर है उन दोनों को जोड़ने पे हमें वन मिलता है तो उनके लिए इतनी मेहनत नहीं करेंगे भाई वन मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा दिस इज इक्वल टू वन अब आपको इन दोनों की वैल्यू चाहिए और साथ में टू भी चाहिए तो पहले इन दोनों की वैल्यू ले आते हैं उसके बाद फिर टू को भी एडजस्ट कर देंगे लगे हाथ ठीक है यहां पे हो जाएगा वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा अब इसमें आप क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू तो जब आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पक्षों को तो आपके पास क्या बचेगा सर यहां बचेगा टू माइनस सिक्स साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा चलिए अब जरा इसको कंपेयर करो ऊपर जो मिला था उससे सर ये इस तरफ का पार्ट था इसमें से हमने क्या माइनस करना सर इसमें से माइनस करना है थ्री और ये माइनस सिक्स की जगह हो जाएगा प्लस सिक्स सब कुछ काट पीट के जोड़ जाड़ के आपके पास क्या बचेगा सर हमारे पास बचेगा टू माइनस थ्री अर्थात माइनस वन क्या आपको ये समझ में आया क्योंकि ये माइनस सिक्स है ये प्लस सिक्स है साइन स्क्वायर कॉल स्क्वायर है पूरा पूरा कैंसिल क्या बचा आपके पास केवल माइनस वन बचा ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी इसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे हमारा सवाल यहां होता है आसानी से समाप्त बस केवल कहा सॉल्व करते समय कैसे आपने पावर्स को यूज किया चलिए स्क्रीन क्लियर अगला प्रश्न अब अगला प्रश्न बिना कंप्यूटर जी के रजामंदी के तो आएगा नहीं तो भाई कंप्यूटर जी ने बोल दिया कि भैया आपने जो दिखाया था वही आंसर ठीक है मतलब माइनस वन तो इसी के साथ अब हम करेंगे नए प्रश्न का रुख अब यहां बोल रहा है मिनिमम वैल्यू बताइए टान स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स की सबसे पहली बात तो आपको इसमें यह पता होना चाहिए कि टैन की मिनिमम वैल्यू कब होती है तो जो टैन है उसकी जो 45 डिग्री वाली वैल्यू जो होती है ना टैन 45 इक्वल टू वन ये आपकी मिनिमम वैल्यू है ठीक है इसे साइन में मिनिमम वैल्यू कितनी होती है जीरो होती है ठीक है जीरो होती इनफैक्ट अगर आप जीरो से नाइनटी तक देखें तो जीरो होती मिनिमम वैल्यू उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाते हैं फिर जब नेगेटिव भी ले लेंगे तो माइनस वन से प्लस वन के बीच में होती है टैन किसकी वैल्यू साइन कॉस् की सारी वैल्यूज टैन फोर्टी फाइव होता है मिनिमम दैट इज वन ऐसे ही कॉट फोर्टी फाइव होता है मिनिमम दैट इज आल्सो इक्वल टू वन अब जो ये दोनों मिनिमम है तो जब आप इनका स्क्वायर करेंगे तब भी क्या रहेंगे सर मिनिमम रहेंगे तो यहां पे क्या हम बोल सकते हैं कि टैन स्क्वायर एक्स मतलब वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर क्योंकि ये मिनिमम वैल्यूज हैं तो भाई इनके ऊपर ही होगा सबको जो होगा तो इनका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा टू आएगा तो मतलब टैन स्क्वायर एक्स प्लस कॉड स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी टू जो कि है ऑप्शन सी देखो यहाँ पे मेथड कम है और लॉजिक ज्यादा है लॉजिक बहुत सिंपल था कि हमने दोनों जो हमारे यहां पे पार्टिसिपेंट थे उनकी मिनिमम वैल्यू ले ली फिर उसका स्क्वायर कर दिया कि भैया सब कुछ यहीं से शुरू होना है इससे ऊपर ही जाना है तो फिर ऑब्वियस बात है जो आपका आंसर आएगा वो इससे ज्यादा ही आएगा तो ऑप्शन सी टू हमारा आंसर कंप्यूटर जी वेरीफाई करेंगे उनका जवाब भी है टू स्क्रीन क्लियर अगला प्रश्न है वन रूट ऑफ वन माइनस कॉस्ट थीटा अपॉन वन प्लस कॉस्ट थीटा इन टू आपको बताना इनमें से कौन सा सही होगा चलिए देखो बहुत ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे पहले हम छोटे छोटे पार्ट्स में सवाल को सॉल्व करेंगे तो पहले मैं इस पार्ट पे फोकस कर रहा हूं ठीक है अब यहां पे आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ कॉजेक को लिखा मैंने वन अपॉन साइन ठीक है यहां पे ध्यान देना माइनस कॉट को लिखा मैंने कॉज अपॉन साइन तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसे ही डिनोमिनेटर में लिखा मैंने यहां पे वन अपॉन साइन ठीक है प्लस कॉज अपॉन साइन अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा सर पहली बात तो ऊपर और नीचे दोनों में डिनोमिनेटर यहां पे सेम आ रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे मतलब यहां पे ऊपर आ जाएगा वन माइनस कॉस थीटा ठीक है, होल अपॉन साइन थीटा इज डिवाइडेड बाय वन प्लस थीटा होल अपॉन साइन थीटा ठीक है अब आप सॉल्व करेंगे दोनों जगह साइन से साइन कैंसल कुल मिला के जो आपका ये बड़ा सा एक्सप्रेशन था वो अब सिंप्लीफाई होके बन गया वन माइनस थीटा अपॉन वन प्लस थीटा अच्छा ये चीज हम पहले ही देख चुके हैं कहां पे यहां पे देखो तो अब आपका पता है क्वेश्चन क्या चेंज हो गया आपका क्वेश्चन अब चेंज होके बन गया है कि आपके पास है अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस थीटा इसी में आपने मल्टीप्लाई करना है पहले डिवाइड करना है वन प्लस कॉस थीटा फिर इसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा कौन ये दूसरा वाला पार्ट विच इज ऑल्सो वन माइनस थीटा अपॉन वन प्लस थीटा तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे आपके पास क्या आ रहा है तो हो जाएगा वन माइनस थीटा अपॉन वन प्लस तो ये तो सेम ही चीज है तो क्या हम इनका स्क्वायर रूट कॉमन लेके हटा सकते हैं क्योंकि भैया सेम चीज को सेम चीज मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा तो कुल मिला के यहां बच गया वन माइनस कॉस् थीटा अपॉन वन प्लस थीटा ये हमारे पास अब बच गया है और ये बराबर है किसके तो जनाब ये बराबर है आर माइनस वन और आर प्लस वन के ठीक है कहीं कोई दिक्कत तो नहीं बिल्कुल नहीं सर अब आप क्या करेंगे सर क्या हम यहां पे कंपोनेडो डिविडेंडो लगा दें काफी आसान पड़ेगा उसमें क्या होगा ऊपर चीजें ऐड हो जाएंगी नीचे चीजें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो उस केस में जब आप ऊपर ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा वन माइनस थीटा प्लस यहां पे हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा तो ये आपने ऐड कर दिया ठीक है यहां पे नीचे आप कर देंगे सब्ट्रैक्ट तो वन माइनस कॉस् थीटा ठीक है माइनस वन माइनस कॉस थीटा दोनों चीजें क्या हो जाएंगी नेगेटिव हो जाएंगी ठीक है और यहां पे भी सेम ही लॉजिक लगेगा तो यहां हो जाएगा आर माइनस वन प्लस आर प्लस वन एक बार एड और एक बार हो जाएगा आर माइनस वन माइनस आर माइनस वन ठीक है एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया चलिए सॉरी आर माइनस वन माइनस आर माइनस वन करेक्ट है चलो सॉल्व करेंगे इसको तो देखो कहां कौन, कैंसल हो रहे तो सर सबसे पहले यहां माइनस कॉस प्लस कैंसिल यहां वन माइनस वन हो जाएगा यहां पे आर यहां पे माइनस वन प्लस वन हो जाएगा कैंसल और यहां बचेगा माइनस टू अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ गया यहां पर ऊपर वन प्लस वन मतलब टू यहां हो जाएगा कितना तो सर यहां हो जाएगा माइनस टू थीटा ठीक है इज इक्वल टू इज इक्वल टू यहां पे आपके पास बिल्कुल सर तो यहां से आप माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं साथ ही साथ और क्या माइनस हो जाएगा सर टू से टू कैंसिल ठीक है बहुत बढ़िया यहां भी टू से टू कैंसिल बहुत बढ़िया क्या बचा आपके पास सर कोई मिला के बच गए यहां पे वन अपॉन कॉस्ट थीटा इज इक्वल टू आर ये बच गया हमारे पास ठीक है अब आप इसको क्या करेंगे इसको आप अगर सॉल्व करेंगे बाकी सारी चीजें तो हमारी कैंसिल हो गई वन अपॉन कॉस्ट थीटा इज इक्वल टू आर बच गया हमारे पास <coughs> हमें लाना क्या था सर लाना यहां पर आ रहा है या तो टैन थीटा ले आओ या तो साइन प्लस कॉस्ट ले आओ या तो कॉट ले आओ अब इसमें से कौन सा लाना पॉसिबल हमें वो देखना पड़ेगा साइन थीटा इक्वल कॉस्ट थीटा इक्वल टू आर तो हो नहीं रहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है ठीक है हाँ हम ये जरूर बोल सकते हैं यहां पे कि सेक थीटा इज इक्वल टू आर यह हम बोल सकते हैं ठीक है क्या यह रिजल्ट है हमारे पास सर ये रिजल्ट भी नहीं है अच्छा एक बात बताओ यहां पे देखो आर स्क्वायर माइनस वन या आर स्क्वायर बहुत बार आ रहा है तो क्यों ना आर का स्क्वायर कर दें अब जब आप आर का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिलेगा सर हमें मिलेगा यहां पे आर का स्क्वायर करने पे सेक स्क्वायर थीटा क्ल टू आर स्क्वायर क्या प्लस टेन थीटा तो ये तो हो गया आर के बराबर अब आप इसको वहां ले जाएंगे तो आपको मिलेगा टेन स्क्वाज इक्वल टू आर स्क्वाइनस वन तो टेन थीटा यहां पे मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ़ स्क्वायर माइनस क्या आपको यह समझ में आया और क्या यह हमारे ऑप्शंस में उपलब्ध है बिल्कुल उपलब्ध है सर ठीक है अब देखो यहां पे बाकी सारे तो कुछ हो नहीं रहे थे तो क्योंकि हमने देखा कि यही मोस्ट पॉसिबल लग रहा था मुझे अब ये तो आपको ऑब्वियस ही बात है प्रैक्टिस से ही आएगा कि कहां से किसको कनेक्ट करना है कैसे मैंने वन अपॉन कॉस को सेक लिखा फिर मैंने सेक का स्क्वायर करते हुए आर स्क्वायर लाते हुए टैन स्क्वायर से कनेक्ट किया हाँ मेरे को ये एक हिंट ऑप्शन जरूर मिला कि भैया ऑप्शन में जो मेरे पास बचे हुए तीन ऑप्शन थे रिजेक्ट करने के बाद उन सब में आर स्क्वायर था तो मुझे आर स्क्वायर लाना ही था तो इसलिए मैंने आर का स्क्वायर करके आगे सॉल्व किया और यहां क्योंकि अब और कुछ बच नहीं रहा था करने को तो इसलिए आपने क्या यूज किया कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज कर दिया ठीक है वैसे आप चाहते तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते थे उससे भी आपका आंसर आ जाता यहां पे अगर आप रैशनलाइज करते दोनों पक्षों को आपको करना पड़ता रैशनलाइज तो आप मल्टीप्लाई करते यहां पर वन माइनस कॉस्ट यहां करते वन माइनस कॉस्ट आप सोल्व करते तब भी आंसर आ जाता लेकिन थोड़ी मेहनत लगती यहां थोड़ा कम इजी वे में मेरे हिसाब से हो गया ठीक है चलिए सॉल्व किया आपने आंसर आया आपका कि थीटा काफी काफी सारी यूज यूज हुई काफी सारे हुए कंपोनेंटो डिविडेंडो का फॉर्मुलाटेंट कॉन्सेप्ट और वो कब लगता है जब ऐसे रेशियो वाली बात चल रही हो हर जगह नहीं लगता है ठीक है ध्यान रखना ठीक है चलो यहां पे अब हम करेंगे एक बार कंप्यूटर जी से कंफर्म उनका जवाब भी है ऑप्शन ए हमारा जवाब भी ऑप्शन ए तो स्क्रीन क्लियर अगला प्रश्न है यहां पे क्या है हमारा अगला प्रश्न कि एफ सेक्टा प्लस टैन थीटा इजकल टू एम है एंड सेक्टाइन टू एन तो आपको एम एन की वैल्यू बतानी है मेरे हिसाब से ये बहुत ही आसान सवाल इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन इन दून मतलबीटा माइनस टैन थीटा अब ये तो आप किसी आठवीं नवी के बच्चे को भी दिखा दोगे बच्चा तो खैर नहीं होता आठवीं नबी में इंसान मतलब काफी बड़ी उम्र हो जाती है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अगर कोई छोटा बच्चा होगा सातवीं का भी वो भी बोलेगा कि सर ये तो ए प्लस बी और ए माइनस बी यूज किया है सामने वाले ने विच इज ऑल्सो इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एम एन वुड बी सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और ये तो जग जाहिर है कि भैया सेक्स थीटा माइनस टाइम थीटा करने पर इसमें बिल्कुल नहीं सर कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई करें तो ऑप्शन बी वन सही आंसर है ऑप्शन सी में प्लस माइनस दोनों हो रहा है तो आप कल को ये नहीं बोल सकते कि सर ऑप्शन सी में प्लस था तो हमने मार्क कर दिया <coughs> केवल प्लस होने से आपका आंसर नहीं होता माइनस बी है तो मतलब वो कह रहा है कि उसका जवाब माइनस वन बी हो सकता है जबकि यहां पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है इसलिए ऑप्शन सी खारिज हो जाता है स्क्रीन क्लियर नया प्रश्न है अ ट्री ब्रेक्स इन टू टू पार्ट ड्यू टू हेवी विंड ओके एक पेड़ को तोड़ दिया गया है किसी के द्वारा हवा के द्वारा सच दैट द अपर पार्ट मेक्स एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री विद्लेन द प्लेस द अपर पार्ट ऑफ द ट्री टच इज द डिस्टेंस ऑफ टेन मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री द हाइट ऑफ द ट्रज आर ये सवाल तो ऐसा लग रहा है कि मानो हमारी जो पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी उससे ही उठा के दे दिया गया है याद आया कुछ बिल्कुल याद आया सर ये दूरी है दस आपको ट्री की हाइट बतानी है तो ये हो गया एक्स ये हो गया वाई ट्री की हाइट कितनी होगी केवल एक्स केवल वाई की पूरी एक्स प्लस वाई सर पूरी एक्स प्लस वाई क्योंकि बड़े ही गिर गया हो पर है तो वो पेड़ ही तो आप गिरने पर उसको पेड़ से अलग नहीं मान सकते उसको पेड़ ही कहा जाएगा। पेड़ कहा जाएगा जाएगा गिरा हुआ पेड़ पेड़ पर तो है ना चलो अब एंगल कितना है जमीन के साथ तो सर डिग्री है एक बार में एक्स निकालो एक बार वाई निकालो आपको आपका जवाब मिल जाएगा सबसे पहले हम यूज करेंगे टैन थीटा क्योंकि वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो टैन थर्टी हो जाएगा यहां पे डिकुलर दर्टी वन बाई रूट थ्री इज इक्वल टू एक्स बाय सोल्व किया वैल्यू ऑफ एक्स पार्ट चलिए बहुत बढ़िया ये तो हो गया केवल एक्स पार्ट अब आ जाओ दूसरे वाले पार्ट पे वाय दैट इज वहां पर हो जाएगा फिर साइन की कॉस्ट की टैन वहां पे है परपेंडिकुलर नहीं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो आपको मिलेगा यहां पे कॉस तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वैसे हमारे पास परपेंडिकुलर भी है पर हम बेस और हाइपोटेन्यूज का यूज करेंगे कॉस 30 बेस आ गया आपका 10 आपको h निकालना है हाइपोटेन्यूज कॉस 30 की वैल्यू होती है 1 √3 2 है ना तो यहां पे आप करोगे 10 h आपका आंसर आएगा h एच की जगह पे क्या लिखोगे हाइपर की वैल्यू हमने क्या डाली है सर हमने उसको वाई का नाम दिया तो यहाँ पे आएगा वाई सॉल्व करोगे आएगा वाई इक्वल टू ट्वेंटी अपॉन रूट थ्री कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको पूरा का पूरा ट्री मिल जाएगा तो ट्वेंटी रूट थ्री दैट इज एक्स प्लस टोटल हाइट हो जाएगी ट्वेंटी रूट मतलब बाय है रूट थ्री कॉमन है तो हो जाएगा थर्टी बाय रूट थ्री इसको अगर आप रैशनलाइज करना चाहें तो रूट थ्री से मल्टीप्लाई रूट थ्री से डिवाइड आपका जवाब आएगा कैंसिल करने के बाद फाइनल आंसर टेन रूट थ्री मीटर इज द हाइट ऑफ द ट्री क्या टेन रूट थ्री मीटर का ऑप्शन है हमारे पास बिल्कुल है और जहां तक मुझे ध्यान है ये तो लगभग लगभग एनसीईआरटी जैसा ही सवाल है तो ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत थी नहीं बस फटाफट सॉल्व करके आंसर निकालना था चलिए कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई करें उनका जवाब भी ऑप्शन है, है अच्छा अगर एग्जाम में ये सवाल आता है, तो मैं आशा करता हूं कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, उनका डायरेक्टली आंसर यहां से शुरू होगा कि सर पहले तो सॉल्व किया है पता है टाइम लगना है कॉस्ट लगना है तो हमारा आंसर यहां पे आएगा और ये फाइनल आंसर होगा <coughs> इतना तेज आपको मेंटली यहां पे सॉल्व करना है कि आप आसानी से आंसर बता पाए डायरेक्टली एक और बाई का फिर ऐड करके अपना फाइनल आंसर मार्क कर सके ठीक है वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी इतनी प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी चलो इफ साइन थी और टैन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू बी है तो आपको निकालना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा चलिए अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर सबसे पहले हम ए की वैल्यू जो है उसी को यूज करेंगे तो देखो ए की वैल्यू है साइन थीटा प्लस टैन थीटा है ना और बी की वैल्यू है यहां पे साइन थी टैन थीटा माइनस साइन थीटा तो क्यों ना एक काम करें इसको मैं लिख ही लेता हूं कुछ इस प्रकार कि पहले मैं टैन को लिख रहा हूं तो ए की वैल्यू लिख रहा हूं मैं टैन थीटा प्लस साइन थीटा ताकि वो थोड़ा सिंक में चले है ना कि एक प्लस एक माइनस चलिए बहुत बढ़िया बी की वैल्यू टैन थीटा माइनस साइन थीटा अब मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है तो मैं सोच रहा हूं कि यार ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना थोड़ी मेहनत का काम हो जाएगा सिंप्लीफाई करें तो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना मतलब आइडेंटिटी यूज करके ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में लिखना और जब आप वैल्यू स्पोट करोगे जब आप ए माइनस बी करोगे तो टैन थीटा प्लस साइन थीटा अब जब माइनस बी करना है तो बी में माइनस साइन तो माइनस टैन थीटा हो जाएगा और प्लस हो जाएगा साइन थीटा क्योंकि आपने माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया दूसरी तरफ जो ए प्लस बी है उसमें जो जिस साइन के साथ आया था उसी साइन के साथ जाएगा तो प्लस टैन थीटा माइनस साइन थीटा अब यहां पर अगर आप देखेंगे चीजें हो जाएंगी थोड़ी बहुत कैंसिल तो करिए अगर कैंसिल हो रही है तो सर यहां पे थीटा पॉजिटिव है दोनों टैन कैंसल यहां पे नीचे sin से sin तो कुल मिला के टू मल्टीप्लाई तो यहां हो जाएगा फोर टैन थीटा साइन थीटा ठीक है और हमने ये फाइनल कर दी क्योंकि ऊपर सवाल में कब से टैन और साइन में टैन पहले चल रहा है साइन बाद में चल रहा है चलिए तो कुल मिला के हमारे हिसाब से आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एस फोर इसको मैं क्या सिंप्लीफाई करूं मैं यही सोच रहा हूं तो कुछ खास तो हम कर नहीं सकते तो क्या करेंगे सर में चेंज करें तो वो जाएगा फोर साइन स्क्वायर अपन कॉस्ट थीटा अगेन कुछ हेल्प नहीं करेगा हमारी तो बेहतर है कि अब हम अपने ऑप्शन को खंगालना स्टार्ट करें ठीक है चलिए मैं इरेज कर रहा हूं ताकि मैं आसानी से अपने ऑप्शन को देख पाऊं अब आप ध्यान से देखो ऑप्शन में है ए बी ठीक है दैट इज ए इन टू बी का मल्टीप्लीकेशन टू ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ ए बी फोर टाइम्स ऑफ ए बी एंड फोर टाइम्स ऑफ रूट ऑफ ए बी मतलब ए इन टू बी तो करना ही करना है तो जब इन्होंने बोल दिया तो हम मल्टीप्लाई कर भी लेते हैं ठीक है अब अगर ए इन टू बी हम कर रहे हैं <coughs> तो वो हो जाएगा कितना सर ए की वैल्यू आपने लिखी थी सॉरी टैन थीटा प्लस साइन थीटा और B की वैल्यू लिखी थी आपने tan थीटा माइनस साइन थीटा अब सर आपने लिखी दी है तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं तो ए बी का मतलब हो गया दोनों का मल्टीप्लीकेशन और वट इज दिस सर ए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर तो ए बी हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना चलिए बहुत बढ़िया अब यहां पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहां पे मिलेगा कि ए बी है यहां पे आप चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा ठीक है और यहां पर जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना अब अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा ए बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा आप यहां पर रख देंगे ठीक है माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा ठीक है होल डिवाइड बाय कॉज स्क्वायर थीटा चलिए अब आप यहां पे क्या करेंगे तो सर ये ए बी जो है हमारा अब ये हो गया यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लू अंदर आ जाएगा वन माइनस कॉज स्क्वायर थीटा और होल डिवाइड बाय कितना कॉज स्क्वायर थीटा अब यहां से क्या सफलता मिली आपको सर यहां पर हमें यह सफलता मिली ए बी की वैल्यू अब हो गई साइन स्क्वायर अपॉन कॉस मतलब टेन स्क्वायर थीटा ठीक है और इधर पे आ गया वन माइनस कॉस मतलब कितना सर वन माइनस कॉस होता है साइन स्क्वायर थीटा तो जो हमारा ए बी था जहां पे माइनस चल रहा था या ऐसे मल्टीप्लीकेशन चल रहा था वो कम से कम उसके स्क्वायर के रूप में तो आ गया अब इतना तो श्योर है कि अगर इन्हें बराबर प्रूफ करना है तो अंडर रूट लेना पड़ेगा <laughs> रूट ऑफ ए बी मतलब रूट ऑफ टैन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ठीक है तो यहां से आप बोल सकते हैं कि रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू tan थीटा साइन थीटा और हमें जो आंसर चाहिए उसमें दोनों के आगे फोर है तो आप बोलोगे फोर टाइम्स ऑफ रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ tan थीटा साइन थीटा ठीक है मतलब जो फोर टाइम्स ऑफ टेन थीटा साइन थीटा है जो कि ए स्क्वायर <coughs> की वैल्यू थी वो किसके बराबर है वो बराबर है ऑप्शन डी क्या आपको ये समझ में आया कहीं कोई दिक्कत कोई शंका बिल्कुल नहीं सर देखो अब ये तो भैया ऐसा है सॉल्व करना पड़ेगा तभी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कहां पे आपने क्या किया कैसे किया क्यों किया ठीक है चलिए तो यहां पे लेकिन हमने ऑप्शंस का अच्छा उपयोग किया कि भैया जैसे ही हमने देखा कि चार ऑप्शन में ए बी ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्यों ना हम भी करके देख ले हम कितना उसको सॉल्व कर पाते हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया सॉल्व किया तो हम अपने आंसर के काफी नजदीक पहुंच गए बाकी हमें फिर थोड़ा एडजस्टमेंट करना था वो तो हम आसानी से कर पाए चलिए कंप्यूटर जी कृपया जवाब वेरीफाई करें उनका जवाब है ऑप्शन डी फोर इन रूट ऑफ ए बी हमारे जवाब के बराबर तो मतलब अगला प्रश्न है हमारे समक्ष अब यहां देखो ऑप्शन देख के यहां पे डर लगना थोड़ा लाजमी है पर आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं बहुत आसान सवाल है ठीक है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट मीटर द द एंगल ऑफ 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 एलिवेशन टॉप अ टावर इज अल्फा एंड द द द एंगल ऑफ 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 फुट टावर इज बीटा ठीक है चलिए देखो आपसे क्या कहा जा रहा है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है एच मीटर इतनी मोटी बिल्डिंग नहीं है पतली बनेगी तो ये है आपका बिल्डिंग जिसका है हाइट एच मीटर और एक उसके ठीक सामने टावर है ठीक है टावर का दो एंगल होंगे एक एलिवेशन का एक डिप्रेशन का एंगल ऑफ एलिवेशन को इन्होंने बोला है कितना तो सर वो है अल्फा एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बताया है इनने वो है है, कितना बीटा। ठीक तो ये जनाब अल्फा ये जनाब बीटा जिसकी वजह से नीचे वाला एंगल भी कितना हो जाएगा बीटा के बराबर ठीक है तो ये बीटा तो ये भी बीटा अब देखो यहां पे आपसे बोला जा रहा है आप बताइए हाइट ऑफ द टावर कितनी होगी ठीक है अब देखो ये वैल्यू है एच ठीक है हम यहां पे बीटा का यूज करके पहले बेस निकालेंगे फिर उस बेस को यहां लेके जाएंगे और उसकी मदद से ये वाला पोर्शन निकालेंगे और साथ में एच तो है ही ठीक है चलो सबसे पहले आप यूज करोगे यहां पे tan बीटा ठीक है इज इक्वल टू एच अपॉन नीचे की वैल्यू को मैं वाई लिख रहा हूं ठीक है क्या लिखा आपने y लिखा तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी मिली आपको तो सर यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी h अपॉन बीटा कहीं कोई दिक्कत तो नहीं बिल्कुल नहीं सर अब यहाँ पे आप देखेंगे तो y आ गया यही y ऊपर जाएगा ठीक है यहाँ पे यूज होगा तो यहाँ अब यहाँ पे y यूज होगा इस ट्राइंगल में क्योंकि देखो ये एरिया तो h हो गया उसके बराबर पर ऊपर वाला हिस्सा चाहिए तभी तो पूरी हाइट आएगी ना तो ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे हो जाएगा कितना तो सर वो हो जाएगा अगर आप देखेंगे यहां पे तो वो हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू कितना सर परपेंडिकुलर हमें निकालना है तो उसको एक्स लिख देते हैं इस वाले हिस्से को ठीक है और नीचे वाले हिस्से को हमने वाई लिखा हुआ है तो एक्स अपॉन वाई तो tan अल्फा मतलब सर tan अल्फा एक्स रहेगा एज इट इज वाई की जगह आप लिखेंगे कितना सर एच अपॉन tan बी तो ये हो जाएगा एच अपॉन टैन भी जिसको आप अगर सॉल्व करेंगे tan बीटा मतलब तो ये बीटा जाएगा ऊपर या ये पूरा का पूरा यहां मल्टीप्लाई तो आपको मिलेगा टेन अल्फा इंटू बीटा ठीक है इज द वैल्यू ऑफ एक्स चलिए आपके पास एक्स और आपको एच पता है है ना अब आपने क्या निकालना है सर आपने निकालनी है यहां पे हाइट ठीक है हाइट हो जाएगी आपकी एक तो एच जो कि इस वाले जो बिल्डिंग है उसकी हाइट के बराबर प्लस जो आपके पास ये नया वैल्यू आयाच टैन अल्फा अपॉन टैन बीटा ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल सर अब आप यहां पे अगर एच कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा कितना सर अंदर मिलेगा वन प्लस टैन अल्फा अपॉन टैन बीटा अब ये आप लेंगे एलसीएम तो आपको एलसीएम लेने के बाद क्या मिलेगा सर एल्सियम अगर आप लेंगे तो यहाँ पे tan अल्फा प्लस टैन बीटा हो जाएगा तो एच इन टू टैन अल्फा प्लस टैन बीटा क्योंकि आपने एल्सियम ले लिया है होल डिवाइड बाय टैन बीटा ठीक है चलिए ये हो गया आपका ऑप्शन मिला बिल्कुल मिला सर कौन सा ऑप्शन है सर ऑप्शन बी है हमारा आंसर अब देखो देखने में कितना खतरनाक था पर जब हम सॉल्व करने आए दो स्टेप में तो हमारा आंसर आ गया बस ये तो फिर सिर्फ हम खाना पूर्ति कर रहे थे कि हम ऑप्शन तक पहुंच जाए बाकी हमें इसमें कुछ ज्यादा दिमाग थोड़ी लगा रहा था मेन दिमाग तो यहाँ लगा कि आपने पहले टैन बीटा यूज करके एच और वाई निकाला फिर वाई की वैल्यू से वो एक्स निकाला फिर उसे हाइट में एड किया एच में और अपना आंसर बताया ठीक है चलिए बहुत बढ़िया कोई दिक्कत तो नहीं बिल्कुल नहीं सर कंप्यूटर जी कृपया जवाब वेरीफाई करें तो ऑप्शन बी कंप्यूटर जी के हिसाब से भी ठीक है यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर अच्छा प्रश्न था ये सवाल समाप्त अगला प्रश्न है द बेस ऑफ अ राइट है सर, सर, तीन हिस्से किए आपने, ठीक okay. है? है? है, शोन इन फिगर. अब पे तो ये देखो. ये देखो, पहला एंगल x है, दूसरा वाई और तीसरा है जेड ठीक है तो अगर आप यहां पे देखें तो यहां तक का हिस्सा एक्स नहीं मान लो यहां पे लिख दो कुछ और लिखने के लिए हम ए लिख देते ठीक है यहाँ तक का हिस्सा टू ए यही मेन पार्ट है यहाँ पे और पूरा हिस्सा हो जाएगा थ्री ए तीन हिस्से होंगे भैया देखो ये वाला हिस्सा ए ये वाला भी हिस्सा ए और ये वाला हिस्सा भी ए तो तीन हिस्से मतलब टू ए और थ्री ए यही हमारे काम आएगा बिकॉज यही सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा अब अगर आप टेन एक्स निकाल रहे हैं तो tan एक्स कितना हो जाएगा तो सर टैन एक्स हो जाएगा यहां पे टी क्यू जिसको हम एच मान लेते हैं यहां पे तो एच ठीक ए tan y हो जाएगा यहां पे दूसरे ट्राइंगल में एच और टू z हो जाएगा यहां पे एच बाय थ्री ए अब आपको निकालना है तीनों का रेशियो तो तीनों का रेशियो होगा सर tan एक्स मतलब एच बायू एच बाई टू एस टू एच बाय थ्री ए अब क्योंकि तीनों के पास एच और ए है तो आप उसको क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं तो यहां पे बचेगा is two, by two is two, by अब आप अगर LCM लेंगे तो भाई मल्टीप्लाई किससे करना, करना पड़ेगा तो सिक्स इज टू थ्री इज टू टू होगा आपका आंसर तीनों को छे से मल्टीप्लाई करोगे सिक्स वन सिक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा छ और दो बचेगा तीन छे और तीन कैंसिल बचेगा दो तो आपका आंसर सिक्स इज टू थ्री इज टू क्योंकि हमें ऑप्शन डी के रूप में यहां पे साफ साफ दिख रहा है आसान प्रश्न बिल्कुल सर इससे इजी कुछ हो नहीं सकता चलिए इसी के साथ हम करेंगे कंप्यूटर जी से एक बार जवाब वेरीफाई ऑप्शन डी उन्होंने भी कहा ठीक है हमने भी कहा सही है स्क्रीन क्लियर अगला प्रश्न है अब यहां पे देखो क्या बोल रहे हैं टाइम थीटर थ्री बाय फोर बहुत बढ़िया आप बताओ साइन थीटा कॉर्स थीटा क्या होगा मल्टीप्लाई करने पे अरे इससे आसान सवाल तो था पहले कुछ मिनट पहले जो हमने सॉल्व किया अभी बोलोगे वरना सर आपने तो कहा था पिछला वाला सबसे मुश्किल है चलो यदि है तो हम आसानी से परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि tan का मतलब ही क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस अब परपेंडिकुलर तीन है बेस चार है हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो क्या सर अभी तक तो हमारे दिमाग में छप चुकी है कि जब तीन और चार होता है तो ट्रिपलेट का अगला होता है पांच आप चाहिए तो करके देख लो तीन स्क्वायर नौ चार स्क्वायर सोलह जोड़ोगे पच्चीस स्क्वायर रूट निकालोगे पांच अब क्या निकालना है आपको थीटा इंटू थीटा थीटा का मतलब होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाई पोटेन्यूस थीटा का मतलब होगा बेस अपॉन हाई पॉटेन्यूस साइन की वैल्यू तीन बाय पांच बेस की वैल्यू चार बाय पांच मल्टीप्लाई करोगे बारह बटे पच्चीस क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास बिल्कुल है सर ऑप्शन सी के रूप में आसान प्रश्न सिर्फ वैल्यूज निकाल के दूसरे वैल्यू में सबसे करना था और आंसर पता लगाना था आपने मेरे हिसाब से तो अब तक कर भी लिया होगा बारह बटे पच्चीस सबका आंसर आया बिल्कुल सर कोई समस्या कोई शंका कोई चिंता बिल्कुल नहीं सर कंप्यूटर जी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कंप्यूटर जी आजकल सारे जवाब सही बता रहे हैं स्क्रीन क्लियर अगला प्रश्न है हमारे पास साइन 30 टाइन 30 कॉट 30 और कोजेक 60 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा ये आपको बताना है वो भी आपका जवाब नंबर में नहीं देना है बल्कि इनमें से कौन सा वैल्यू होगा वो बताना है और एक और चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि एक ऑप्शन ऑल ऑफ द अब भी है तो बिना चेक करे अगर आपने तीनों ऑप्शन डायरेक्टली आंसर मार्क कर दिया कि पहला वाला ही हमारा आंसर है तो भैया गड़बड़ होने के चांसेस हैं इसलिए सावधानी बरतनी है कि सारे ऑप्शन चेक करने हैं पहले तो इनको सॉल्व करना है फिर ऑप्शन से मैच करना है ऑप्शन मैच करने का कर आपका आंसर आ जाएगा चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं देखो साइन थर्टी कितना होता है साइन थर्टी होता है by tan 30 और 30 वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे तो इनको आप कैंसिल कर दो तो, पर अगर आप वैल्यू भी लिखेंगे तो टैन थर्टी वन बाय रूट थ्री कॉड थर्टी इसका अपोजिट रूट थ्री और कॉजेक्ट सिक्सटी हो जाएगा सर यहाँ पे कॉजेक्ट साइन सिक्सटी होता है कितना रूट थ्री बाय टू यहां पे उल्टा तो टू बाय रूट थ्री देखो वैल्यूज तो मेरे को भी सारी याद नहीं रहती पर मैं साइन और कॉस के जा हूं, बाकी सारी तो निकाल सकते हैं टू से टू का फाइनल आंसर वन रूट थ्री। अब इन में से जिस भी ऑप्शन की वैल्यू वन बाय थ्री के बराबर आएगी वो हमारा आंसर होगा पहला ऑप्शन टैन थर्टी बिल्कुल होगा वन बाय रूट थ्री दूसरा ऑप्शन कॉट सिक्सटी तो वैसे टैन सिक्सटी होता है रूट थ्री उसका आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो वन बाय रूट थ्री साइन थर्टी होगा वन बाय टू 60 होगा टू बाय थ्री कैंसिल करने के बाद आंसर आएगा रूट थ्री के, के बराबर जो कि हमारे सवाल की वैल्यू थी सिंपल क्वेश्चन जी वेरीफाई करेंगे उनका जवाब भी है ऑप्शन डी हमारा जवाब भी ऑप्शन डी स्क्रीन हो जाएगी क्लियर अब अगला प्रश्न है हमारा ए बी एंड सी डी आर टू पोल्स ऑफ हाइट एच वन एंड एच टू जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है ठीक है अब आपसे बोला जा रहा है पॉइंट क्यू इज सेंटर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए सी अर्थात जो पॉइंट क्यू आपको दिख रहा है यहां पे, इसकी दूरी दोनों तरफ से मतलब इधर भी अगर आप देखें तो एक्स इधर भी देखें आप तो वो भी हो जाएगा एक्स के बराबर ठीक है आपसे क्या बोल रहा है आपसे बोल रहा है रेशियो बताओ एच वन और एच टू का अगर अगर आपके एंगल्स हैं तीस और साठ हो जाएगा कोई दिक्कत तो नहीं बिल्कुल नहीं सर अब शुरू कैसे करेंगे इसको सर पहले इस तरफ और ट्राइंगल लेते परपेंडिकुलर और हाइप और बेस के साथ तो यहां हो जाएगा टेन थर्टीटा इज पर पेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थर्टी डिग्री इज इक्वल टू पर की जगह आप लिखेंगे एच वन बेस की जगह लिखेंगे आप x tan 30 हो जाएगा वन बाय रूट थ्री तो यहां पे हो जाएगा h1 वन बाय एक्स एच की वैल्यू x बाय रूट थ्री क्योंकि हमें h1 वन और एच का रेशियो निकालना है तो ये तो करना ही पड़ेगा ठीक है अब इसके बाद दूसरी तरफ भी आपका सेम tan थीटा तो यहां पे आ जाएगा आपकी बात tan 60 और h2 मतलब हाइट ऑफ दूसरा वाला पार्ट अपॉन x यहां पे आंसर होगा रूट थ्री एच टू अपॉन एक्स आप सॉल्व करेंगे तो एक्स रूट थ्री इज द वैल्यू ऑफ एच टू अब निकालना है दोनों का रेशियो तो एच वन अपॉन एच टू करना पड़ेगा एच वन टू एच टू का मतलब हो जाएगा एक्स अपॉन रूट थ्री एच टू एक्स रूट थ्री दोनों के पास एक्स है और न्यूमरेटर में है तो कैंसिल हो जाएगा कुल मिला के बच गया वन अपॉन रूट थ्री एस टू रूट थ्री अपॉन वन अब अगर इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने का प्रयास करूं तो दोनों को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा यहां पे रूट थ्री से मल्टीप्लीकेशन के बाद डिनोमिनेटर का रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर में रूट थ्री इंटू रूट थ्री मतलब थ्री हो जाएगा तो आपका रेशियो वन एस टू थ्री होगा जो कि है ऑप्शन डी क्या आपको ये समझ में आया क्या सवाल मुश्किल था बिल्कुल नहीं सर आसान था बस खाली कई बार क्या होता है ना जब हमें वैल्यूज नहीं मिलती है और केवल ऐसे एच और एक्स के साथ डील करना पड़ता है तो हम थोड़ा घबरा जाते हैं कृपया ऐसे न डरे आसान होते हैं सवाल बस आपको जो टेक्निक है जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करते जाइए सॉल्व करते जाइए आपको आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा ये वैल्यू किसकी थी मैं लिखना भूल गया जल्दबाजी में तो सर ये वैल्यू थी एच वन की ठीक है लिख लेना भूलना मत एच वन जी आ जाइए यहां पे यहां पे आ जाएगा एच वन चलिए कंप्यूटर जी से वेरीफाई करवाते हैं क्या उनका जवाब भी यही है बिल्कुल यही है वन एस टू हमारे जवाब के बराबर तो यहां पे हो जाएगी स्क्रीन क्लियर और हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे देखो वैल्यूज आ गई हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द वर्ट और द डिस्टेंस ऑफ थर्टी मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ अ इलेक्ट्रिक पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पोल वॉज साठ डिग्री हाइट बतानी है अब इसमें अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो एक्चुअली समय थोड़ा सा मैं अपना वेस्ट करूंगा बेहतर क्या होगा सर ये तो डायरेक्टली हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है साठ तो मतलब ये हो जाएगा टेन 60 इज इक्वल टू हाइट ऑफ द पोल हो जाएगा परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा थर्टी क्योंकि नीचे वो फ्लोर की बात कर रहा है टेन थर्टी रूट थ्री टेन सिक्सटी रूट थ्री तो एच अपॉन थर्टी मल्टीप्लाई करेंगे तीस रूट थ्री इज द वैल्यू ऑफ एच ऑप्शन डी उड़ीसा में पूछा गया बेहद ही आसान प्रश्न कहीं कोई दिक्कत तो नहीं बिल्कुल नहीं सर अच्छा कई बार यहां क्या होता है बोल देते हैं कि उस पोल को आपने रस्सी से बांधा है तो रस्सी की लंबाई निकालो उस केस में आप क्या निकालते हैं हाईपोर्ट न्यूज निकालते हैं इस बात का ध्यान रखना कभी हमेशा ही पोल या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं होगा कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो सवाल पूरा पढ़ के फिर आंसर निकालें ठीक है चलिए कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई ऑप्शन डी तीस रूट थ्री हमारा आंसर है स्क्रीन हो जाएगी क्लियर अगला प्रश्न है इन ट्राइंगल एंगल सी 90 डिग्री एंड ए इक्वल टू वन देन वैल्यू ऑफ टू ए कॉस ए अगेन अ वेरी गुड इजी क्वेश्चन सर कैसे देखो एंगल सी है 90 मतलब क्लियर है कि एंगल ए प्लस एंगल बी को जोड़ने पे आपको मिलेगा कितना 90 डिग्री अब यहां पे देखो आपने बोल दिया कि tan A इज इक्वल टू वन टैन की ऐसी कौन सी वैल्यू है ऐसा कौन सा एंगल है जो कि वन के बराबर होता है सर ये तो पूरे विश्व को पता है कि tan 45 होता है tan tan से टान A वैल्यू 45। अब जब A की वैल्यू 45 और मैं यहां पे इसको रखू तो मुझे यहां से मिलेगा कि भैया B की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी ही बात है 45 फाइव डिग्री अब आपको निकालना क्या है सर हमको निकालना है टू साइन ए कॉज है चलिए वैल्यू पुट करते हैं टू साइन ए तो टू इंटू साइन फोर्टी फाइव बिकॉज ए की वैल्यू फोर्टी फाइव है सिर्फ तो एंगल रखना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है ठीक है ट्वाइज ऑफ साइन फोर्टी फाइव आपको याद होगा वन बाय रूट टू होता है और कॉज फोर्टी फाइव भी वन बाय रूट टू होता है तो टू इन टू रूट टू इंटू रूट टू हो जाएगा टू टू से टू का आंसर आंसर आएगा वन तो एक सवाल ऐसा बन गया इसी में एक सवाल बन सकता है कि इसको बोल देंगे कॉज भी आपके पास एंगल बी की वैल्यू भी है आप निकाल सकते हैं या फिर साइन बी और कॉज ए बोल देंगे वो भी आप निकाल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी है ना समझ में आ गया बिल्कुल सर कहीं कोई शंका बिल्कुल नहीं सर ऐसे जैसे टैन ए वन दिया है इसमें भी एंगल की वैल्यू तो आंसर की वैल्यू चेंज करके वन बाय तो रूट थ्री आई रूट थ्री कर सकते हैं तब भी आपको एंगल निकालने में कुछ खास परेशानी नहीं होनी चाहिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए अप्रोच ऐसी रहेगी ए और बी निकालो फिर आंसर में पुट करो और आपको आपका जवाब मिल जाएगा ठीक है चलिए कंप्यूटर जी प्लीज आंसर वेरीफाई करें ऑप्शन सी वन हमारा भी बनाया था कंप्यूटर जी ने भी ऑप्शन सी वन के आगे टिक मारा है तो स्क्रीन करेंगे हम क्लियर और मूव करेंगे नए सवाल पे अब ये सवाल आपसे बोल रहा है कि यदि साइन थीटा की वैल्यू है फोर बाय फाइव चार बटे पांच है किसकी वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू है तो आपको बताना है tan थीटा 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 कितना होगा तो भाई पहले ये सारी वैल्यूज निकालोगे तभी तो चलो अगर साइन थीटा है फोर बाय फाइव इसका क्लियर क्या मतलब है कि सर इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और हाइट का रेशियो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है फोर इस टू फाइव तो अब अगर पी की वैल्यू फोर है एच की वैल्यू फाइव है तो ये तो जग जाहिर है कि बी की वैल्यू कितनी होगी थ्री आपको कैसे पता सर तीन चार पांच का जो बहुत फेमस क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है उसमें से दो वैल्यू आपने लिख दी तीसरी आपको निकालनी थी वो हमने निकाल ली चलिए अब अगर हम आगे बढ़े यहां पे, तो हमें क्या निकालना है सर यहां पे सारी वैल्यूज थी तो पहले टैन निकाल लेते हैं So, tan sir, sorry, base, तो टैन तो so, थीटा हो जाएगा सर यहां परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो फोर बाय जाएगा यहां का उल्टा तो सेक थीटा हो जाएगा पांच बटे तीन और फोर कॉट थीटा तो कॉट थीटा हो जाएगा टेन का उल्टा मतलब कितना सर वो जाएगा तीन बटे चार ये आपके पास चारों वैल्यूज आ गए रख के आंसर निकाल लेंगे चलिए आंसर अब निकालने के लिए हम इन वैल्यूज को वैल्यूट्यूट करेंगे तो फोर इन टू फोर 3 थ्री माइनस फाइव इंटू थ्री बाय फाइव यही होगा है ना बिकॉज कॉस है कॉस होता है थ्री बाय फाइव देखो हमने निकाला भी है सेक की वैल्यू फाइव बाय थ्री माइनस या प्लस फोर इंटू थ्री बाय फोर ऐसा ही है, है ना चलिए अब जो जिससे कैंसल हो रहा है जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो सोलह बटे तीन माइनस तीन क्योंकि आपने क्या किया पांच से पांच कैंसिल करके तीन लिखा और नीचे आएगा पांच बटे तीन प्लस तीन चलिए अब एलसीएम लीजिए और अपना आंसर बताइए यहां पे आएगा सोलह माइनस नौ बटे तीन होल डिवाइड बाय पांच प्लस नौ बटे तीन अब क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में थ्री है तो थ्री से थ्री कैंसल सिक्सटीन माइनस नाइन करोगे सेवन बचेगा ठीक है सोलह में से कितना बचेगा सेवन बचेगा सात और नौ हो जाएगा बिल्कुल ठीक है और यहां पे हो जाएगा आपके पास नौ और पांच चौदह तो आपका आंसर सेवन बाय फोर्टीन दैट इज वन बाय टू कहीं कोई दिक्कत तो नहीं बिल्कुल नहीं सर वन बाय टू आंसर में है क्या हमारे पास बिल्कुल उपलब्ध है ऑप्शन डी के रूप में तो हम करेंगे यहां पे ऑप्शन डी को मार्क ये भी आसान सवाल

पहली बात तो टू पाई बाय थ्री को बताओ वैल्यू कितना होगा तो सर टू पाई बाय थ्री का मतलब होगा टू पाई बाय थ्री तो यहां पे पाई की जगह आप लिखोगे वन सॉल्व करोगे इसको थ्री हो जाएगा थ्री सिक्स एटीन तो टू सिक्स वन ट्वेंटी ठीक है अब अगर आप घड़ी को देखेंगे ठीक है एक क्लॉक में ये एंगल पूरा कितना होता है सर पूरा एंगल होता है 360 आधा हो जाएगा वन आपको चाहिए वन ट्वेंटी ठीक है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो मिनट होता है देखो वो तो तो ये तो हो गया 90, ठीक है इससे आपको कितना ज्यादा चाहिए थोड़ा ज्यादा चाहिए ठीक है तो अगर आप यहां पे 120 डिग्रीज लाना चाहते हैं तो आप किस पे जाएंगे इस पे जाएंगे 20 मिनट्स पे ठीक है सर आपको कैसे पता है कि यह एंगल एग्जैक्टली तीस डिग्री होगा अब देखो यहां पे कितने हिस्से होने सर पहला हिस्सा दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और यह छठवा हिस्सा कितने हिस्से होने छ हिस्से किसके 180 के तो हर एक हिस्से को कितना मिलेगा सर 30 30 मिलेगा तभी तो होगा तो ये 30 डिग्री ये भी कितना होगा 30 तो 90 प्लस थर्टी कितना हो जाएगा 120 तो जब आप 20 मिनट पे पहुंचेंगे तब आपकी घड़ी दिखाएगी टू फाइव बाई थ्री इज 120 डिग्री क्या आपको ये समझ में आया कहीं कोई दिक्कत तो नहीं बिल्कुल नहीं सर आसान प्रश्न कंप्यूटर <coughs> जी का आंसर भी है 20 डिग्री मोर देन ट्रिगोमेट्री दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग की कैसे होगा चलो अब ये सवाल तमिलनाडु का है कि वन अपॉन वन प्लस साइन थीटा में आप जोड़ रहे हैं वन अपॉन वन माइनस साइन थीटा बताइए जोड़ घटाने पे कितना आएगा सर कुछ दिख नहीं रहा है यहां पे आशा की उम्मीद तो हम एलसीएम में ले लेते हैं तो वन माइनस साइन थीटा ठीक है प्लस थीटा इसको जोड़ जाड़ के आपको मिल रहा है डिनोमिनेटर में कितना तो सर डिनोमिनेटर में मिल रहा है वन प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस साइन थीटा चलिए अब आप देखेंगे अगर न्यूमरेटर को तो भैया साइन थीटा से साइन थीटा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसल वन प्लस वन हो जाएगा टू नीचे आएगा यहां पर थीटा, थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा. थीटा अगर प्रो, न्यू, में लाना है तो कॉज को आप चेंज कर देंगे ट्वाइज ऑफ सेक्स स्क्वायर थीटा जो कि ऑप्शन बी में आसानी से उपलब्ध है क्या सवाल कठिन था नहीं पर क्या सवाल कठिन बनाया जा सकता है बिल्कुल कैसे अपनी ही सोच से कि ऐसे सिंपली थोड़ी एल्शियम लेने से आंसर आ जाए कभी कभी ऐसे ही चीजों से आंसर आते हैं जैसा कि आपको दिख रहा है हाँ आई नो बहुत बार हमारे दिमाग में यही आता है कि अरे यार ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है कुछ ना कुछ टफ तो होगा कुछ ना कुछ आ, क्या तिकड़म बिकड़म लगेगा लेकिन यहाँ पे कुछ तिकड़म विकड़म नहीं लग रहा है केवल सिंपल मैथमेटिक्स करते हुए आपका जवाब आ जाएगा कंप्यूटर जी चाहे तो वेरीफाई कर दीजिए भैया ऑप्शन बी ट्वाइज ऑफ सेक्स थीटा हमारा आंसर हमने वही मार्क किया यही सॉल्व करके लाए इतनी मेहनत से यहां पे आप सवाल देखो अगला क्या बोल रहा है गिवन दैट इज 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 एंड वैल्यू ऑफ अब यहां पे आपको क्या करना ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है तो साइन ए हो गया वन बाय टू के बराबर अब आप कुछ सोचिए साइन की कौन सी वैल्यू है जो वन बाय टू के बराबर होती है थर्टी तो ए हो जाएगा तीस के बराबर ऐसे ही कॉस बी वन बाय रूट टू के बराबर बोला जा रहा है तो कॉस बी इज इक्वल टू वन बाय रूट टू मतलब आपको कॉस की वो वैल्यू ढूंढनी है जो कि वन बाय रूट टू के बराबर हो तो वो हो जाएगा कॉस फोर्टी फाइव क्या पे कॉस से कॉस कैंसल बी की वैल्यू फोर्टी फाइव ठीक है ए थर्टी बी फोर्टी फाइव दोनों को एड किया पिछहत्तर आपका आंसर आया ऑप्शन सी पिचहत्तर ए प्लस बी जोड़ने पर कितना आएगा फाइव आएगा देखो सवाल भले ही आपको इजी लग रहे हो पर भाई परीएस में आए हैं तो हमें सॉल्व तो करने पड़ेंगे ऑप्शन सी सेवन डिग्री तो आप इन सवालों को देख के मतलब पिछले कुछ सवालों को देख के सोच रहे होंगे कि ट्रिगो तो स्कोरिंग चैप्टर है पर अगर एक आध तिरछा फंस गया सवाल तो दिक्कत हो जाती है ध्यान रखना अगला प्रश्न यहां पर देखिए यह आ गया थोड़ा अच्छा क्वेश्चन सेवन प्लस थीटा माइनस सेक फिफ्टीन माइनस थीटा 10, 55 theta cot, 35 theta is. अब देखो यहां पे अगर आप चेक करेंगे ना तो ये 75 theta जो है 75 theta और उसमें ऐड अगर आप कर देंगे फिफ्टीन माइनस थीटा तो इनको ऐड करने पे आपको नाइनटी मिल रहा है क्योंकि थीटा से थीटा कैंसिल दो एंगल को जोड़ने पे 90 मिल रहा है मतलब 90 माइनस कितना 90 माइनस थीटा का लॉजिक लगना ही लगना है पर यहां पे वो लगेगा कैसे तो देखो आपके पास एंगल है ठीक है ये किसी से तो आया होगा मतलब बेसिकली किसी का तो 90 थीटा वाला लॉजिक लगा होगा तो सर वो सेक का लगता है क्या होता है वो कि सर सेक 90 माइनस थीटा तो 90 माइनस सेवेंटी प्लस थीटा इसको हमने पूरे को थीटा मान लिया यहां पे ये आप समझ पाए मैंने क्या किया मैंने कॉजेक नाइनटी कॉजेक सेवेंटी फाइव प्लस को sec के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग द लॉजिक ऑफ सेक नाइनटी माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा सेक नाइनटी माइनस सेवेंटी फाइव माइनस बस ये स्टेप अगर आप समझ गए तो फिर आपका काम खत्म तो ये हो जाएगा सेक फिफ्टीन माइनस थीटा और इसी में से आप माइनस कर रहे हो क्या sec 15 माइनस थीटा तो ये वाला पार्ट तो हो गया जीरो दूसरे पार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा माइनस ऑफ टैन है, ठीक है? अब मैंने क्या किया मैंने दूसरे वाला जो कॉट है ना कॉट को भी मैंने tan के टर्म्स में लिख दिया तो मुझे क्या चाहिए होगा नाइनटी माइनस पूरा का पूरा थीटा तो नाइनटी माइनस थर्टी फाइव माइनस थीटा ठीक है ये पूरा का पूरा एंगल हो गया हमारा भाई कॉट से टैन कैसे बनता है तो सर टैन से कॉट ऐसे ही बनता है आपको मिलेगा प्लस टैन ऑफ नाइनटी माइनस थर्टी फाइव मतलब पचपन माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस तो प्लस थीटा अब देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल यहां पे भी ये वाला पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव तो कैंसल आपका जवाब आया सब कुछ काट पिट के खत्म करके आंसर आया आपका जीरो क्या है आंसर जीरो आया ऑप्शन बी चलिए कंप्यूटर जी क्या हमारा जवाब आप वेरीफाई करने में के इच्छुक हैं बिल्कुल होंगे सर ऑप्शन बी जीरो हमारा भी सही कंप्यूटर जी ने भी वही बात कही तो इसी के साथ अगला प्रश्न ये रहा अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ऑन अ ट्वेंटी मीटर लॉन्ग रोप टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल अच्छा इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद्राउंड लेवल इज थर्टी डिग्री देन द हाइट ऑफ द पोल इज अरे अब देखो यहां पर मैंने कहा था ना जब हम बिजली के पोल की बात कर रहे थे कि रस्सी वाला सवाल आ सकता है लीजिए आ गया रस्सी की लंबाई कितनी दे दी है आपको सर जी बीस मीटर कितनी ट्वेंटी मीटर दे दी है रोप की लंबाई ये आपका वर्टिकल पोल आ गया अब आपको बोला गया है बताइए कि अगर एंगल है तीस डिग्री तो पोल की हाइट क्या है सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल सर क्या लगेगा सर साइन थीटा, क्योंकि आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज़ की चर्चा कर रहे हैं तो भैया यहां पे हो जाएगा साइन थर्टी परपेंडिकुलर की जगह आप लिखेंगे एच हाइपोटेन्यूज़ की जगह आएगा ट्वेंटी साइन थर्टी मतलब कितना सर वन बाय टू एच बाई ट्वेंटी सोल्व करेंगे दस आएगी एच की वैल्यू तो पोल की हाइट कितनी है दस मीटर आसान सवाल बिल्कुल सर चित्र मैंने फिर भी बना दिया अगर आप एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो विद इन थर्टी सेकेंड्स आपका आंसर आना चाहिए कि एंगल कितना है तो रेशियो कितना होगा कहां टेन आएगा कहां ट्वेंटी आएगा कहां एच आएगा और सोल्व करके अपना आंसर बताओगे कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई करें ऑप्शन है टेन मीटर्स हमारा भी आंसर कंप्यूटर जी का भी वेरिफिकेशन स्क्रीन क्लियर अगला प्रश्न है हमारे पास एफ थ्री एक्स इज इक्वल टू कोजेक थीटा ठीक है एंड थ्री बाय एक्स इज इक्वल टू थीटा वेरी गुड वैल्यू ऑफ थ्राइज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ठीक है चलो यहां देखना थ्री एक्स इज कॉजेक्ट थीटा है ना और थ्री बाय एक्स इज इक्वल टू आपसे क्या बोल रहा है कॉट थीटा अब अंदर देखो आपसे स्क्वायर मांग रहा है तो स्क्वायर कर देते हैं तो यहां आ जाएगा स्क्वायर स्क्वायर इज इज इक्वल इक्वल टू टू कितना थीटा है ना तो मतलब एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा तो सर यहां के हिसाब से एक्स स्क्वायर हो जाएगा कॉजेक स्क्वायर थीटा अपॉन नाइन कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर यहां पे अगर आप चेक करेंगे तो ये हो जाएगा नाइन बाय स्क्वल टू कॉट थीटा कॉट स्क्टा तो यहां पे मिलेगा आपको थीटा ये आपकी दोनों वैल्यूज आ गई अब आपने क्या करना है सर इनको एड करना है ठीक है चलिए कर देते हैं इनको एड कोई खास दिक्कत नहीं आएगी एड करने में इतना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं एक्स स्क्वायर मतलब अपॉन नाइन ठीक है माइनस अपॉन नाइन ठीक है और ये दोनों अकेले नहीं है एक्स स्क्सर इज होल मल्टीप्लाइड बाय जो पीछे थ्री लिख रहा हूं मैं वो बेसिकली आगे वाला ही मैंने लेकिन वहां लिख दिया है दोनों में से नाइन को कॉमन ले लो क्या बचेगा सर हमारे पास बचेगा कॉजेक्स स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट <coughs> के अंदर और बाहर आएगा थ्री बाय नाइन जो कि नाइन आपने कॉमन ले लिया और कॉमन लिया है तो जो डिनोमिनेटर में है वो वही रहेगा थ्री और नाइन का यहाँ पे कैंसिलेशन वन बाय थ्री कॉजेक्स स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की पुरानी दोस्ती है दोनों को माइनस करने पे बन आता है मतलब उनके स्क्वायर को तो आपका फाइनल आंसर आएगा वन बाय थ्री ऑप्शन ए क्या सवाल इतना मुश्किल था एक्चुअली नहीं सर

तो बताइए वैल्यू ऑफ tan फोर्टी सेवन कितना होगा देखो कॉस दिया है चमत्कार है।, है भाई कैसे निकालेंगे आप सोचो सर और tan में कुछ कनेक्शन तो होना चाहिए टैन स्क्वायर अब देखो यहां पर थीटा कॉस थीटा जो है आपका उसका हम निकालेंगे किससे कनेक्शन सर उसका निकाल सकते हैं हम कनेक्शन कितना है सर ये एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखो यहां पे अगर आप एंगल पे ध्यान दो 43 और 47 43 और 47 ऐसे एंगल है जिन्हें आप ऐड करोगे तो आपको 90 मिलेगा मतलब यहां 90 माइनस थीटा का लॉजिक तो लगना ही लगना है ठीक है कैसे सर इसको आप लिख सकते हैं ये हो जाएगा कॉज ऑफ 90 माइनस फोर्टी 90 में से 47 माइनस करोगे तो तो 43 आता है तो 90 फोर्टी सेवन आ गया तो फिर हमारा आधा काम तो हो ही गया ना तो एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको क्या निकालना आपको टेन फोर्टी चाहिए साइन निकल गया साइन से आप क्या निकालोगे सर परपेंडिकुलर हो जाएगा यहां पर अंडर रूट ऑफ एक्स वो कैसे निकालेंगे हम सर यहां तो पाइथागोरस यूज करनी ही पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि एक्स स्क्वायर दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाई का स्क्वायर ओहो oh, 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 बहुत ही आसान कितना इजीली तो एक्स रूट स्क्सल तो एक्स स्क्वायर कुल मिला के बेस तो आपका बेस आएगा वाई के बराबर, तो बराबर. आपसे क्या बोल रहा है टेन फोर्टी सेवन निकालो टेन फोर्टी सेवन मतलब सिंपल है भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालना है इन एंगल्स के तहत तो भाई एंगल्स के तहत ही तो ये वैल्यूज आई है तो परपेंडिकुलर एक्स बेस वाई तो टैन फोर्टी सेवन हो जाएगा परपेंडिकुलर एक्स और बेस वाई जो कि किस अपॉन वाई ऑप्शन है, है, क्या? बिल्कुल है सर, सी। कर दे बिल्कुल सर कोई दिक्कत तो नहीं बिल्कुल नहीं सर क्या यहां पे डरने की बात है नहीं सर सर लेकिन ये x और y और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फोर्टी सेवन का हमें कैसे पता है देखो स्टार्टिंग पॉइंट साइन फोर्टी सेवन भला ऑब्वियस ही बात है फोर्टी सेवन से ही कनेक्टेड है चलिए कंप्यूटर जी प्लीज जवाब वेरीफाई करें उनका जवाब भी है ऑप्शन सी हमारा जवाब भी ऑप्शन सी तो यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ अब नया है एंड सो टिल आपको सॉल्व करके बताना है सवाल नया नहीं हम पहले ही सॉल्व कर चुके सर कहा हमने इसको सॉल्व किया है जब हम यहां पे क्या कर रहे थे सॉल्व कर रहे थे हमारे लेवल वन क्वेश्चन वहां पर ठीक है बस एक बार आपको फटाफट रिवाइज करा देते हैं 1, as it is, रहेगा ठीक है कुछ कुछ एंगल so दो, दो देख लो एक होगा टैन एट्टी एट दूसरा हो गया टैन एट्टी नाइन चलो यहां देखना आप तो ये तो एज इट इज रहेगा इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया टैन वन टैन टू आप यही रही एंड ऑन यहां पे आएगा tan ऑफ 88 को लिख रहा हूं भैया 88 पाने का एक तरीका है कि 90 में से माइनस कर दो तो 90 minus 88. दूसरा तरीका यहाँ पे है कि भैया करो तभी तो 88 मिलेगा 10, 89 मतलब 90 minus 1 करना है आपने ठीक है एटी एट मतलब, 90 minus 2, 89 मतलब 90 minus 1. मैंने कुछ अलग नहीं किया वो जो 89 लिखा है उसको मैथमेटिकल लिखा कि कैसे आ सकता है इन कनेक्शन विद 90 तो ये हो गया tan 1 इधर आगे आ जाएगा tan 2 मल्टीप्लिकेशन में है ये सब अब यहां पे tan 90 थीटा होता है cot थीटा तो cot 2 cot 1 तो यहां पे क्या हो जाएंगे ऐसे ही सारी वैल्यूज एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी और आपका आंसर आएगा सर लेकिन बीच में एक वैल्यू बचेगी जिसका पेयर नहीं बनेगा और वो होगा tan 45 अब भैया देखो आगे वाले सारे वन इंटू वन इंटू वन करेंगे पीछे वाले इन्हीं के साथ कट गए तो वो भी वन इंटू वन टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू भी वन तो फाइनली आंसर आएगा कितना वन मतलब ऑप्शन बी चलिए बहुत बढ़िया आसान प्रश्न काफी आसान सर इसी के साथ हम क्या करेंगे सर फिर से स्क्रीन को क्लियर करेंगे और अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे पहले कंप्यूटर जिसे पूछ लेते हैं उनका जवाब भी है बी वन हमारा जवाब भी बी वन सबसे इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे ध्यान रखना कि बीच में टैन फोर्टी फाइव भी आता है अगर साइन कॉज कौश का क्वेश्चन आएगा तो उसमें बीच में साइन फोर्टी फाइव या फिर कॉज फोर्टी फाइव आएगा उसका ध्यान रखना बेसिकली कहने का मतलब ये था चलो क्योंकि यहां तो साइन वन था तो कोई दिक्कत नहीं है साइन की पावर फोर प्लस स्क्ट अरे ये तो हम अभी थोड़ी देर पहले ही कर चुके बस एंगल करना पहुंच पाएंगे ज्यादा कुछ नहीं, डरने की बात नहीं है चलो शुरू करें सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे साइन फोर द पावर फोर एक्स को लिख देंगे वन माइनस साइन स्क्स ठीक है वॉट इज वन माइनस साइन जाहिर है सबको पता है कि सर यहां पे हो जाएगा साइन पावर फोर एक्स वुड बी इक्वल टू कॉस एक्स और इसको यूज करके हम इस पूरे सवाल का जवाब निकाल देंगे ऑनेस्टली देखो कैसे सबसे पहले कॉट फोर एक्स हो जाएगा यहां पे साइन की जगह ऊपर क्या आएगा सर कॉट होता है तो मतलब ऊपर आएगा कॉस तो कॉस की पावर फोर एक्स अपॉन साइन की पावर फोर एक्सप और इधर है आपके पास यहां पे कॉस की पावर टू एक्स ना पावर टू और नीचे हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं बिल्कुल नहीं सर अब यहां देखे क्या बोला मैंने कॉस पावर फोर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स तो यहां पे सॉरी साइन पावर फोर एक्स इक्वल टू कॉस पावर टू एक्स साइन पावर फोर एक्स की जगह हम लिख रहे हैं यहां पर कॉस पावर टू एक्स तो ऊपर का एज इट एज नीचे का जो साइन की पावर फोर एक्स था उसको मैं लिख रहा हूं कॉस की पावर टू के एक्स के बराबर <coughs> और इधर पे जहां पे कॉस की पावर टू था उसको मैं साइन में चेंज कर रहा हूं ताकि चीजें कैंसल करने में और सवाल को सॉल्व करने में हमें कुछ कठिनाई ना हो अब यहां देखिए पावर फोर पावर टू कैंसिल तो केवल पावर टू बचेगा यहां पे भी पावर फोर पावर टू कैंसल तो केवल पावर टू बचेगा वॉट इज कॉज स्क्स प्लस एक्स दुनिया के सबसे आसान चीज इक्वल टू वन तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा इस सवाल का सर इक्वल टू वन ऑप्शन बी क्लियर इजी गुड टू गो यस सर चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन क्लियर अब अगला प्रश्न है हमारा यहां पे ये यह ऑप्शन बात है आंसर वेरीफाई करवाएंगे हम आंसर वन आया यहां पे कंप्यूटर जी ने भी वेरीफाई कर दिया अब तो स्क्रीन क्लियर एंड अब तो नया प्रश्न <coughs> अच्छा क्वेश्चन है फिर से चलो इस सवाल का जवाब क्या होगा तो यहां पे आपको रिलेशन बताना है बाय एलिमिनेटिंग द थीटा आपको थीटा एलिमिनेट करके बताना है इनके इनके बीच में क्या रिलेशन होगा अब इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे सर सबसे पहले यहां पे हम देखेंगे कि x जो है हमारा क्या दिख रहा है हमें वो देखो यहां पे क्या क्या चाहिए सब जगह x एक्स चाहिए तो चलिए तो x बाय की वैल्यू हो जाएगी सेक की पावर n थीटा के बराबर ठीक है अगर आप इसको ऐसे लिखें कि आप सेक थीटा को अकेले कर लें क्योंकि आपको हटाना ही है इसको गायब करना है तो ये हो जाएगा x की पावर वन बाय एन इज इक्वल टू सेक थीटा ऐसे ही आपको मिलेगा y बाय बी ठीक है कि पावर वन बाय एन इज इक्वल टू टाइन थीटा अब अगर आपको इन दोनों के बीच में कनेक्शन चाहिए थीटा को एलिमिनेट करना है तो कुछ आइडेंटिटी सोचनी पड़ेगी जो एक मुझे आती है वो बहुत सिंपल सेक्स है माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन है ना ये या आपको याद है आइडेंटिटी यस सर बिल्कुल याद है अब यहां पे देखिए सेक थीटा का होल स्क्वायर बेसिकली यही हो सकता है ऐसे भी तो लिख सकते माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर लिखने का तरीका बेस बस चेंज कर दिया मैंने बाकी मीनिंग वही है सेक की वैल्यू सर एक्स बाय होल पावर टू वेन क्या थीटा एलिमिनेट हो गया क्या इसकी वैल्यू लिखने के लिए हम थीटा यूज कर रहे हैं अब नहीं इसकी वैल्यू भी लिखने के लिए अब हम थीटा को यूज नहीं कर रहे हैं तो अब अगर हमें एक्स वाई और ए बी के बीच में कनेक्शन बताना है तो हमें थीटा की जरूरत नहीं है हम इस इक्वेशन के माध्यम से वो बता सकते हैं तो यहां पे हमारा जवाब क्या होगा एक्स बाय पावर टू एन ई सॉरी टू बाय हो क्योंकि सो सॉरी टू बाय और ये भी हो जाएगा टू बाय इक्वल टू वन क्या आपको ये समझ में आया कैसे हमने यहां पे पावर को यूज करते हुए थीटा को एलिमिनेट किया हमने थीटा का भी यूज किया आइडेंटिटी का यूज किया ट्रिग्नोमेट्री की पर अब जो इक्वेशन आई उसमें कहीं भी हमें थीटा नहीं दिख रहा है बाकी देखो थीटा 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 यहां पे भी था यहां पे भी था इधर भी है लेकिन यहां वाले पार्ट में उसे हमने एलिमिनेट कर दिया गायब कर दिया तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए हमारा आंसर की एक्स बायू बाय माइनस वाई बाय बी टू बाय इज इक्वल टू वन ये हमारा आंसर होगा समझ में आया आपको बिल्कुल सर अब हम क्या करेंगे सर एक बार कंप्यूटर जी से और पक्का कर लेते कि हम सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं कहीं कुछ गलती होगी क्योंकि हम है भी मनुष्य गलती हो सकती है हमसे तो वो वेरीफाई हो जाएगी कंप्यूटर जी प्लीज हमारा आंसर वेरीफाई करें कंप्यूटर जी का आंसर भी आ रहा है ऑप्शन डी हमारा जवाब भी ऑप्शन डी से मैच हो रहा है तो इसी के साथ इस प्रश्न को भी समाप्त करने की हम घोषणा करते हुए नया प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं कि यदि एक साइक्लिक है क्या बोला आपने तो आपको टैन डी बाई टू इनको ऐड करने पे कितना मिलेगा वो बताना है चलो अब सबसे पहले डी साइक्लिक कॉड्यूलैटर है तो इसका क्या मतलब है कि सर ए प्लस सी को जोड़ने पे ए प्लस सी को जोड़ने पे हमें मिलेगा 180 डिग्री क्योंकि तो किसी भी साइक्लिक साइकिल के अपोजिट एंगल्स का सम होता है एक आठ शून्य अब आपको चाहिए A 2, C 2, तो इसको कर दो डिवाइड 2. टू तो जब आप इसको डिवाइड बाय टू करेंगे इसको भी डिवाइड बाय टू करना पड़ेगा कुल मिला के अब आपको मिल गया ए बाय टू प्लस सी बाय टू इज इक्वल टू नाइनटी अब क्या चाहिए आपको चाहिए तो यहां पे आप लाएंगे टेन ऑफ ए बाई टू प्लस टेन ऑफ सी बाई टू इज इक्वल टू यहां पर जगह मैं लिख रहा हूं 90 क्या आपको यह समझ में आया देखो इसके अलावा तो कोई और चारा ही नहीं है टेन चाहिए तो टेन तो लाना ही पड़ेगा ना अब टेन ए प्लस बी का नियम आपने पढ़ा है कि इट इज ए प्लस टेन बी ठीक है तो यहां पे जो भी एंगल है वो हमने लिख दिया होल डिवाइड बाय वन माइनस टेन ए टेन बी अब यहां पे बी की जगह पे सी है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते tan नाइनटी की वैल्यू पूरे संसार को पता है नॉट डिफाइंड है जिसको हम मैथमेटिकली वन बाय जीरो लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जीरो पूरा इसमें मल्टीप्लाई कुल मिला क्या है आपके पास जीरो इक्वल टू वन माइनस टेन ए बायू एंड tan सी बाय टू अब आप सॉल्व करेंगे ये पूरा इस तरफ तो आपको मिलेगा टैन ए बाय टू इंटू टैन सी बाई टू नेगेटिव था साइड चेंज किया तो पॉजिटिव इसकी वैल्यू आई वन ऐसे ही ऐसे ही जब आप दूसरी तरफ जाएंगे बी और डी की तरफ तो पूरा प्रोसेस सेम रिपीट होगा और रिजल्ट आपको मिलेगा कि टैन ऑफ बी बाय टू इंटू टैन ऑफ सी बाई डी बाय टू माफ कीजिएगा इनको ऐड करने पे भी आंसर कितना आएगा वन के बराबर अब पहले वाले हिस्से का आंसर वन दूसरे वाले हिस्से का आंसर वन तो वन प्लस वन जोड़ के कितना हो जाएगा सर इतनी गणित तो आती ही है आपको बिल्कुल आती है सर सीखी है हमने वन प्लस वन हो जाएगा टू के बराबर तो हमारा जवाब आएगा यहां पे टू जो कि है ऑप्शन डी आसान यहां पे इंपॉर्टेंट क्या था पहला साइक्लिक कोडिलेटल का यूज दूसरा ए बाई टू सी बाय टू तक आना तीसरा टन निकालना है तो टैन का ही उपयोग करेंगे इसलिए टैन वाला नियम यूज करना और चौथा टैन नाइनटी की वैल्यू वैल्यून बाई जीरो पुट करके अपना आंसर बताना कंप्यूटर जी प्लीज आंसर वेरिफिकेशन टाइम ऑप्शन डी टू सही आया कंप्यूटर जी अगला सवाल नहीं आया तो अब आ जाएगा भाई साहब चलिए अब ये बोल रहा है अगर वन माइनस कॉजेड थीटा और माइनस साइन थीटा है फोर तो बताइए साइन स्क्वायर प्लस कॉ स्क्वायर कितना होगा अरे इतना आसान कैसे करेंगे इसको सर ये तो बहुत सिंपल है इस वाले पार्ट का होल स्क्वायर और इधर का भी होल स्क्वायर ये हो जाएगा कॉजेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अब ये तो सबको पता है कि कॉजेक और साइन रेसिप्रोकल होते हैं तो मल्टीप्लाई यहां पे आप करेंगे तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे और फोर का स्क्वायर यहां पे सिक्सटीन अगर मैं इसको सवाल के फॉर्मेट में ही लिख दूं तो साइन स्क्वायर को मैंने पहले लिखा पॉजिटिव है स्क्वायर पॉजिटिव है अभी भी रहेगा माइनस यहां सिक्सटीन माइनस टू वहां जाएगा साइड चेंज हो जाएगी तो जनाब हो जाएंगे प्लस टू तो सोलह प्लस दो मतलब हो जाएगा अट्ठारह तो साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कोजेक्स स्क्वायर थीटा हो जाएगा अट्ठारह के बराबर पीछे हमने यहाँ पे और साइन को कैंसिल किया क्योंकि दोनों होते हैं एक दूसरे के जवाब कितना 18. आसान प्रश्न बिल्कुल सर किसी किसी में प्लस होता है तो माइनस हो जाएगा जब आपका एक्सप्रेशन कैसा हो एडिशन वाला हो तो ध्यान रखना हर बार सवाल में प्लस टू या माइनस टू ऐसा कोई नियम नहीं बनाना डिपेंडिंग ऑन द साइन आपका प्लस या माइनस डिसाइड होगा तो हमेशा केयरफुल रहे कुछ लोग क्या करते हैं नियम बना लेते हैं कि जो भी वैल्यू आ रही है उसमें प्लस टू कर देना तो फोर का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस टू लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा कभी कभी माइनस भी हो सकता है कंप्यूटर जी आंसर वेरिफिकेशन ऑप्शन डी अट्ठारह कंप्यूटर जी के हिसाब से भी ठीक स्क्रीन क्लियर अगला प्रश्न है यहां पर वन प्लस साइन ए अपन वन माइनस साइन ए अंडर रूट में है प्लस करना है अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन ए अपन वन प्लस क्या करोगे सर कुछ बचा ही नहीं इसमें जीवन में रैशनलाइज करने के अलावा कर दो लेकिन यहां करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा मैं पहले रूट को अलग अलग कर रहा हूं तो ये हो गया ठीक है यहां पे आप प्लस कर रहे हैं अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन एम ठीक है और यहां पे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वन प्लस साइन एम चलिए अब हम लेंगे इनका इज करने की जगह एलसीएम क्योंकि सब कुछ रूट में है ना तो जब आप एलसीएम लोगे तो यहां रूट सेम चीज मल्टीप्लाई हो रही है रूट से रूट मल्टीप्लाई मतलब रूट से आजादी तो वन प्लस साइन ए प्लस वन माइनस साइन ए हो जाएगा यहां पे और नीचे आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में बिकॉज आप मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेने के लिए वन माइनस साइने इंटू वन प्लस साइन ए चलिए अब यहां ध्यान देना ऊपर साइन ए पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल ऊपर केवल वन प्लस ए माइनस बी इंटू एक्टर साइन है तो आपसे रात में नींद में पूछूंगा तो भी आप बता दोगे कितना होगा सर वन माइनस साइन स्क्वायर होगा अंडर रूट ऑफ कॉज स्क्वायर है अब कॉज है स्क्वायर है और रूट है तो भैया रूट और स्क्वायर कैंसल केवल कॉज ए बचेगा डिनोमिनेटर में कॉज अच्छा नहीं लग रहा तो उसको ऊपर ले आएंगे करके सेक ए हो जाएगा तो आपका आंसर आएगा ट्वाइज ऑफ से क्या यह सवाल कठिन था बिल्कुल नहीं सर दिल्ली राज्य में पूछा गया यह सवाल काफी आसान था और इसे हमने बड़ी बखूबी से सॉल्व कर दिया लेकिन अभी कंप्यूटर से थोड़ा वार्तालाप होगा उनका जवाब होगा वो बहुत खास होगा बहुत बढ़िया स्क्रीन क्लियर आंसर ठीक अगला प्रश्न है यदि a cos थीटा b sin थीटा is c के बराबर एंड a sin थीटा b cos थीटा है k के बराबर आपको k की वैल्यू पता करनी है अब यहां देखो आपके जो ऑप्शन है ना उसमें a2 b2 c2 आ रहा है स्क्वायर कर दो जब सवाल ऑप्शन में ही आ रहा है स्क्वायर मतलब ऑब्वियस सी बात है करना ही पड़ेगा चलिए तो जब आप सॉल्व करेंगे हो जाएगा a2 cos2 थीटा b2 साइन स्क्वायर थीटा ठीक है फिर आ जाएगा यहां पे माइनस टू ए बी कॉस थीटा साइन थीटा ठीक है और इस तरफ आ जाएगा आपके पास इक्वल टू सी स्क्वायर नीचे वाला जो है के स्क्वायर उसको मैं ही लिख रहा हूं नीचे तो वो आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पर माइनस टू पहले ए और बी का मल्टीप्लीकेशन फिर साइन थीटा कॉज थीटा पहले किसी को भी लिखो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में सीक्वेंस मैटर नहीं करता टू इंटू थ्री करोगे तब भी सिक्स थ्री इंटू टू करोगे तब भी सिक्स इज इक्वल टू के स्क्वायर चलिए अब क्या करें सर दोनों को हम लोग ऐड करें कि सब ट्रैक करें ऐड करते हैं ज्यादा बेहतर होगा चीजें कैंसिल हो जाएंगी जब आप दोनों को ऐड करेंगे ये बड़े बड़े एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे सर ये माइनस हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है मैंने वहां गलती से माइनस लिख दिया था क्योंकि यहां प्लस था तो वो प्लस रहेगा तो सबसे पहले तो ये दोनों माइनस <coughs> उसके बाद इधर ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो अंदर आएगा कॉज थीटा प्लस स्क्वायर थीटा क्योंकि दोनों के पास ए स्क्वायर है इधर पे आप बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा और इधर पे आपके पास आएगा एल में माफ कीजिएगा आरएचएस में सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्योंकि आपने ऐड किया है ठीक है ये हो गया वन तो कुल मिला के बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आपने क्योंकि आपको के की वैल्यू निकालनी है तो उसको कर दो आप अलग तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर आपको अकेला के चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लो तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू के क्या ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी प्लस माइनस क्यों आया है? क्योंकि सर स्क्वायर रूट लेते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है इसीलिए यह हर जगह नहीं होता अगर ऑप्शन में लिखा है तो मार्क कर देना नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा उससे चलिए ऑप्शन बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई करें हमारा आंसर बिल्कुल सही है तो बेसिकली वो जो प्लस माइनस है कितनी बार लोगों को कंफ्यूज कर देता है कि अरे ये क्या अलग हो गया कुछ अलग नहीं है वो अगर लोग नहीं भी लिखते हैं तो भी अंडरस्टूड होता है कि हाँ ये प्लस माइनस होगा यहाँ पे क्योंकि रूट निकाला है आपने ठीक है चलिए स्क्रीन साफ अगला प्रश्न अगर अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो आपको यहां पे दिया गया है साइन अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा इज आपको बताना है कि भैया साइन बीटा की वैल्यू कितनी होगी अगर अल्फा बीटा क्या है आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो मतलब दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा मतलब दोनों को करने पे हमें मिलेगा यहां पे, अल्फा प्लस इक्वल टू नाइनटी डिग्री तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी कितना नाइन्टी माइनस अल्फा ये आपको ध्यान रहेगा बीटा की वैल्यू कितनी नाइनटी माइनस अल्फा या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्योंकि आपको बीटा पिक्चर में लाना है तो बीटा को पिक्चर में लाने का एक ही तरीका है भैया देखो अल्फा इक्वल टू 90 माइनस बीटा अब आप क्या करोगे क्योंकि आपको साइन बीटा चाहिए यहां से अल्फा को हटा के बीटा को पिक्चर में ले आओ तो अट्ठारह इंटू साइन स्क्वायर यहां पर आपको मिलेगा नाइनटी माइनस बीटा ठीक है माइनस ट्वेल्व इंटू साइन इन टू बीटा ठीक है और ये माइनस टू को यहां लिखाएंगे तो प्लस टू हो जाएगा, जाएगा यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो अट्ठारह साइन स्क्वायर की जगह हो जाएगा कॉज स्क्वायर क्योंकि नाइनटी माइनस बीटा एस कॉज बीटा ठीक है सर लेकिन निकालना साइन है अरे मेरे भाई कॉज आ जाएगा तो साइन तो आ ही जाएगा ना पर अगर कॉज बीटा नहीं आया तो साइन अल्फा थोड़ी बताएगा साइन बीटा कितना होगा वो तो हमें ही पता करना पड़ेगा तो कॉस बीटा हमें हेल्प करेगा माइनस ट्वेल्व यहां जाएगा कॉस बीटा ठीक है प्लस टू प्लस टू इज इक्वल टू जीरो चलो अगर आप यहां से टू कॉमन ले लें क्या बचेगा आपके पास सर अगर हम टू कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा नाइन कॉज स्क्वाइनस सिक्स कॉज बीटा ठीक है प्लस वन इक्वल टू जीरो अब हम में से आधे लोग यहां आके अटक जाएंगे पर इसके बाद खेल देंगे, तो वैसे भी बड़े ही ध्यान से देखना कॉस बीटा का होल स्क्वायर थ्री कॉस बीटा का होल स्क्वायर नाइन किसका होता है थ्री का स्क्वायर होता है कॉस के साथ स्क्वायर था तो मैंने कॉस बीटा का होल स्क्वायर लिख दिया माइनस टू इंटू थ्री कॉस बीटा इंटू वन क्या ऐसा लिख दू टू थ्री सिक्स सिक्स बीटा ही है, जैसा था प्लस वन इक्वल टू जीरो हो गया अब आपका ए स्कवायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो हमारा जो इक्वेशन था अब वो चेंज हो गया थ्री कॉस बीटा माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो मैंने कहा था मैक्सिमम लोग यहां के रुक जाएंगे इसके बाद ये करना है हमें हमें किस तरीके से ए माइनस बी का होल स्क्वायर तक पहुंचना है तो यहां पे आपको मिलेगा जब आप जीरो का स्क्वायर रूट करोगे सर जीरो ही होगा तो थ्री कॉस बीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो मेहनत करोगे आपको आंसर मिलेगा थ्री कॉस बीटा इक्वल टू वन तो यहां से मिलेगा थ्री कॉज बीटा इज इक्वल टू वन तो कॉज बीटा आपको मिलेगा वन बाय थ्री के बराबर क्या आपका काम हो गया सर हमें तो साइन बीटा चाहिए अब जब कॉज आ गया फिर तो साइन निकाल ही सकते हो कैसे सर यहां पे अगर हम सॉल्व करें देखो मैं रंग अलग कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए तो भैया कॉज बीटा का मतलब होता है वन बाय थ्री मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ठीक है ना तो बेस की वैल्यू वन सर थ्री परपेंडिकुलर निकाल सकते हो बिल्कुल सर अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने डायरेक्टली लिख दिया है तो परपेंडिकुलर यहां पे आ जाएगा एच स्क्वायर मतलब थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस वन तो परपेंडिकुलर आ गया एट रूट ऑफ एट माफ कीजिएगा विच इज टू रूट टू आ गया आपको एच पता है साइन अल्फ साइन बीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाई ठीक है टू रूट टू अपॉन थ्री कोई दिक्कत तो नहीं बिल्कुल नहीं सर तो कहा आपने साइन अल्फा से शुरू करके कॉस बीटा पिला के फिर ट्रिग्नोमेट्री यूज करके अपना आंसर बताया कि साइन बीटा की वैल्यू आएगी टू रूट टू ठीक है बाय थ्री चलिए कहीं कोई दिक्कत तो नहीं बिल्कुल नहीं सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या था ये यूज करना कॉम्प्लीमेंट्री उसके बाद इंपॉर्टेंट था इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व करना या नाइनटी माइनस बीटा होगा ठीक है ध्यान रखना चलो इजी गुड टू गो बिल्कुल सर कोई तकलीफ नहीं है ऑप्शन ए होना चाहिए हमारा आंसर टू रू टू कंफर्म करेंगे कि हमारा जवाब ठीक है कि नहीं है कंप्यूटर जी कृपया वेरीफाई करें और यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज था कैसे आपने ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता लगा के सॉल्व करना है ठीक है चलिए कंप्यूटर जी वेरीफाई बिल्कुल गुड वेरी गुड ऑप्शन ए टू रू टू बाय थ्री हमारा आंसर कंप्यूटर जी का वेरिफिकेशन अगला प्रश्न है यदि a प्लस बी प्लस यदि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो बताइए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी कितना होगा अब देखो यहां पे यदि ए बी सी राइट ट्राइंगल है तो ऑब्वियस ही बात है एक एंगल तो होगा 90 डिग्री तो एंगल b को हमने मान लिया 90 और बाकी दोनों को जोड़ने पे मिलेगा 90 तो मतलब आप सी को लिख सकते हैं 90 माइनस है कि नहीं

क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं मेरे हाथ में उसके पास ठीक है साइन नाइनटी होता है वन तो वन का स्क्वायर प्लस साइन नाइनटी माइनस थीटा इसको थीटा और स्क्वायर है तो स्क्वायर सस्टेन करेगा तो आपके पास अब आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए प्लस वन अब इन दोनों को जोड़ने पे भी कितना आता है सर वन आता है तो वन प्लस वन आंसर कितना आएगा टू वही हमें पता करना था तो हमारा आंसर आया टू क्या कोई शंका कोई दिक्कत कोई समस्या बिल्कुल नहीं सर कंप्यूटर जी एक बार वेरीफाई करेंगे ऑप्शन हमारा आंसर कंप्यूटर जी ने भी वही बताना है मेरे हिसाब से तो पर दिक्कत नहीं थी यहां पे क्या किया आपने स्मार्ट वर्क करते हुए एंगल्स को डिफाइन करने का प्रयास किया जितने एंगल्स आपके पकड़ में आ गए उतने पकड़ में आ गए जो नहीं थे उनको आपने एडजस्ट करके मुझे नहीं पता करना ए की और सी की वैल्यू क्या है मुझे सिर्फ आंसर चाहिए था तो साइंसक्स भी हो साइंस को ऐड करने पे कितना आएगा सिर्फ उतना चाहिए था उसमें ए बीसी की इंडिविजुअल वैल्यू पता हो ऐसा कंपलसरी नहीं है हाँ बी की या किसी एक एंगल की दी थी तो वो हमने निकाल दी बाकी दोनों में हमने रिश्ता निकाल के सॉल्व करवा दिया झगड़ा चलो कंप्यूटर जी वेरीफाई करें ऑप्शन ए टू हमारा भी सही कंप्यूटर जी ने भी कहा बिल्कुल ठीक है स्क्रीन क्लियर अगला प्रश्न है यहां पे वैल्यू ऑफ सेक ए अपॉन वन माइनस साइन ए और सेक ए प्लस टेन इन सबको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा ये बताना है कैसे करोगे सर मेरे को ना सर साइन कॉस में अगर लिखा हो चीज तो काफी आसान पड़ती है अब आपको आसान पड़ती है तो भाई मुझे भी आसान पड़ेगी तो सेक ए होगा यहां पे वन अपॉन कॉज ए वन माइनस साइन ए को मैं एज इट इज रहने दे रहा हूं क्योंकि ये तो वैसे ही साइन और कॉस में है इस वाले सेक ए को मैं चेंज कर रहा हूं वन अपॉन कॉज ए ठीक है प्लस साइने अपॉन कॉज अब देखो कितना आसान हो गया सवाल चलिए अब आपके पास न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर क्या है देखो सॉल्व करो तो यहां पे आपने लिखा वन अपॉन कॉजे अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपका यहां पे हो जाएगा वन माइनस साइन ए इस तरफ होल डिवाइड बाय कॉजे क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई होगा वन प्लस कॉजे क्योंकि दोनों का वन प्लस साइन ए और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एड होके केवल कॉजे आ जाएगा ठीक है अब यहां पर वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए जग को पता है कि ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए होल डिवाइड बाय कॉज एंटू कॉज ए हो जाएगा कॉज स्क्वायर ए क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐड नहीं कर रहे हैं भैया एडिशन में सेम हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ता है वरना कई लोग क्या करते हैं

और हम आसानी से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गए जब कुछ भी समझना आए ना मेरे को तो मैं यही करता हूं साइन कॉस में चेंज कर दो तो कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा और साइन कॉस का नियम भी आसान है ना साइन स्क्सर इक्वल टू वन तो हो जाता है चलिए कंप्यूटर जी थैंक यू जी ऑप्शन सी वन सही है उन्होंने भी हा कर दी है तो अब आगे बढ़ते हैं यह थोड़ा अच्छा सवाल दिख रहा है मुझे इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल आर की वैल्यू है नाइनटी पी की वैल्यू है तीस पी क्यू की वैल्यू है रूट थर्टीन फ्रॉम द the, the value फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉज सिक्स माइनस सेक्स देखो पहली बात तो यहां दिया है तो आपका वो है साठ डिग्री के बराबर ठीक है परंतु हमें बाकी दोनों चीजें तो पता ही नहीं है तो सर क्या करेंगे हम कैसे निकालेंगे सर पहले हमें जो चीजें पता हैं उनकी मदद से हम निकालेंगे बाकी वैल्यूज ठीक है उसके बाद फिर हम अपने स्थान तक पहुंचेंगे मतलब बाकी पूरी वैल्यूज तक पहुंचेंगे अब देखो यहां पे <coughs> आपको दिया एंगल पी है 30 ठीक है अब यहां पे अगर आप देखेंगे कॉजेक 60 का क्या मतलब हो जाएगा सर कॉजेक होता है जब भी हम सॉल्व करते हैं वैसे तो बहुत रेयरली करते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर ठीक है अब हाइपोटेन्यूज कितनी है रूट परपेंडिकुलर पी आर. ठीक है निकालो वैल्यू तो सर x सिक्सटी है यहां पे तो x सिक्सटी हाईपोटन की जगह रूट थर्टीन और परपेंडिकुलर हमें पता करना पड़ेगा तभी हम कर पाएंगे x <coughs> सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है सर x सिक्सटी की वैल्यू होती है वैसे तो वन बाय कितनी होती है सर वन बाई रूट टू बाय रूट थ्री है ना तो यहां आ जाएगा टू बाय रूट थ्री इज द वैल्यू ऑफ रूट थर्टीन बाय पी चलिए तो P की वैल्यू कितनी आएगी तो सर P की वैल्यू आएगी यहां पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो P वुड बी इक्वल टू थर्टीन इंटू यहां पर कितना करना पड़ेगा सर ये हो जाएगा इंटू तो रूट थर्टी नाइन ठीक है होल डिवाइड बाय यहां पे आ जाएगा टू है ना क्योंकि थ्री इंटू थर्टीन करेंगे रूट थर्टी नाइन होल डिवाइड बाय टू अब ये आ गया यहां पे आपका कॉजेक्स सिक्सटी ठीक है P की वैल्यू कितनी आई आपके हिसाब से सर हमारे हिसाब से आ गए रूट थर्टी नाइन बाय टू चलिए अब अब आप क्या करेंगे सर अगर हमें sec सिक्सटी निकालना है तो वो भी देख लेते हैं देखो सेक होता है बेस अपॉन हाईपोर्टेन्यूस है ना तो सेक थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाई चलिए sec सिक्सटी की वैल्यू यहां पे आ जाएगी क्योंकि रेशियो आपको पता है sec आठ इक्वल टू बेस की जगह पे आप लिखेंगे केवल बी हाई फिर से वही रूट थर्टीन नहीं सर सेक है उल्टा हो जाएगा वेरी गुड तो यहां पे हो जाएगा एच अपॉन बी दिस वुड बी रूट थर्टीन अपॉन बी फॉर दैट से कितना होता है रूट थर्टीन बाय बी तो बी B, तो B की वैल्यू आएगी यहां पे रूट ऑफ थर्टीन बाय टू चलिए बी की वैल्यू कितनी रूट ऑफ थर्टीन बाई टू अब अगर ये दोनों वैल्यूज हमें पता चल गई है तो फिर हम आसानी से निकाल सकते हैं इन दोनों को ठीक है अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको सर पहले थोड़ी जगह बना लेते हैं बिल्कुल ठीक तो चलिए स्क्रीन को हम करते हैं क्लियर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसके दूसरे वर्जन को को जहां पे हमें सिर्फ वैल्यूज माइनस करके अपना आंसर निकालना है चलिए सॉल्व करें हम इसको आइए देखते हैं देखो कौजक सिक्सटी मतलब क्या होगा सर वही हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर तो हाइपोटेन्यूज है यहां पर रूट ऑफ थर्टीन अपॉन परपेंडिकुलर है आपका रूट थर्टी नाइन बाय टू ठीक है लिख दिया रूट थर्टी नाइन बाय टू माइनस सेक होता है यहां पर रूट थर्टीन अपॉन टू चलिए अब आपको फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करना तो मुझे लगता नहीं है सिखाने की जरूरत है फिर भी अगर आप चाहें तो हम लिख सकते हैं भैया रूट थर्टीन बाय वन इन टू टू बाय रूट थर्टी नाइन माइनस यहां पे भी हो जाएगा रूट थर्टीन बाय वन इंटू टू बाय रूट थर्टीन अब देखो जो जो कॉमन है कैंसिल हो रहा है उसे करते जाओ सबसे पहले सर थर्टीन और ये थर्टी नाइन तो केवल रूट थ्री बचेगा क्योंकि रूट हमेशा रहेगा रूट थर्टीन रूट थर्टीन कैंसल यहां बच गया टू बाय रूट थर्टीन रूट थ्री माइनस टू अब आप चाहें तो टू कॉमन ले सकते हैं क्योंकि एक ऑप्शन मुझे दिख रहा है जो कि लगभग हमारे आंसर से मैच हो रहा है तो जब आप टू कॉमन लेंगे अंदर आएगा वन बाय रूट थ्री माइनस वन विच इज योर ऑप्शन डी क्लियर गुड टू गो बिल्कुल सर तो टू इंटू वन बाई रूट थ्री माइनस वन हमारा आंसर होगा हमने वही यहां पे मार्क किया है इसी के साथ हम कंप्यूटर जी से वेरीफाई करवाएंगे उनका जवाब ऑप्शन डी हमारा जवाब भी ऑप्शन डी स्क्रीन क्लियर अगला प्रश्न है हमारे पास इफ थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये खाली इतना बता रहा है कि सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी थीटा की वैल्यू आपको दे दी है थ्री बाय फाइव निकालना क्या है क्या साफ है पांच अब हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं तो अब तक तो हमें याद भी हो गया कि तीन चार पांच का जो पे, क्या है ट्रिपलेट है वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो आपका पी कितना आएगा चार अब आप क्या करेंगे सर वैल्यूज रखते जाएंगे फाइव इंटू टैन थीटा टैन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो फोर अपॉन थ्री ये रहा माइनस फोर थीटा कॉजेक होता है सर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर तो फाइव अपॉन फोर होल डिवाइड बाय अब नीचे यहां पे फाइव सेक थीटा तो फाइव इंटू सेक का मतलब होता है कॉज का उल्टा तो थ्री बाय फाइव का उल्टा फाइव बाय थ्री माइनस फोर कॉट थीटा तो फोर इंटू कॉट का आंसर होता है सर बेस अप, cot होता है टैन का उल्टा तो थ्री बाय फोर चलिए इसको हमें तो सिर्फ सॉल्व करना है सारे minus ही इधर पे बीस बटे तीन माइनस पांच अपॉन पच्चीस बटे तीन माइनस तीन लीजिए एलसीएम तो यह हो जाएगा बीस माइनस पंद्रह बटे तीन होल डिवाइड बाय यहाँ पे पच्चीस माइनस नौ बटे तीन चलिए दोनों के डिनोमीटर से तीन तीन का बीस में से पंद्रह गया पांच बचेगा पच्चीस में से नौ गया सोलह बचेगा <coughs> तो हमारा आंसर आएगा पांच बटे सोलह ऑप्शन में है क्या बिल्कुल है सर आपने माफ किया कैसे नहीं होगा ऑप्शन है पांच बटे सोलह हमारा आंसर कंप्यूटर जी भी वेरीफाई करेंगे प्रश्न बहुत सरल था कुछ वैल्यू दी थी बाकी आपने निकाल ली और जितनी दी थी उतना हमारे लिए काफी था उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस की जरूरत नहीं थी तो हमारा फाइनल आंसर आया फाइव 16 कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई उनका जवाब भी है फाइव बाई सिक्सटीन मतलब क्लियर है सवाल सही <coughs> तो यहां पे भी सवाल सही होने के बाद अगला सवाल x इक्वल टू ए कॉस्टा वाई इक्वल टू बी साइन थीटा ठीक है अब आपको सवाल बोल रहा है निकालो बी स्क्वायर एक्स स्क्स एक्वायर वाई स्क्वायर कितना होगा जब वो खुद ही बोल रहा है स्क्वायर निकालने को तो हम कैसे रुकेंगे स्क्वायर तो करना पड़ेगा इसका स्क्वायर करोगे आपको मिलेगा एक्स स्क्वल टू ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा ठीक है वाई का स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब सवाल में बोल रहा है उन्हें चाहिए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो ठीक है इधर अगर आपने बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी करना पड़ेगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर थीटा और वाई के साथ चाहिए स्क्वायर 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 अब जब इस आएगा A square, तो इस तरफ तरफ आएगा तो भी आ जाएगा A भाई मैथमेटिक्स में अलाउड है ना <coughs> या तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो या दोनों तरफ डिवाइड कर दो बसरते सेम चीज कर रहे हो तब तो गणित को कोई दिक्कत नहीं है अब यहां देखो आई डोंट थिंक सो इससे इजी कुछ होगा दोनों को आपने ऐड करना है तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर वुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कुछ है इससे आसान बिल्कुल नहीं सर दोनों में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर आप ले लेंगे कॉमन अंदर बचेगा कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसी के साथ हमारा यह प्रश्न तो मक्खन की तरह अभिषेक सर की भाषा में कहें तो मक्खन की तरह हो गया सॉल्व कोई दिक्कत नहीं सर कैसे आएगी इतना आसान सवाल है देखो आपका सबसे बड़ा दोस्त आपका प्रश्न ही है प्रश्न को उठाओ उसे पढ़ो समझो देखो कहां किससे क्या मल्टीप्लाई करना है कैसे आंसर आएगा और दूसरा आपका दोस्त है आपके ऑप्शन वो भी काफी हेल्प करते हैं चलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज आर आर आंसर ऑप्शन सी कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई ऑप्शन सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर कंप्यूटर जी के हिसाब से भी ठीक है यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और जहां तक मुझे ध्यान है यहां पे यह सेशन समाप्ति की ओर आगे बढ़ता हुआ लेकिन समय समाप्ति की घोषणा से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आपके जीवन में बहुत काम आएगी देखो आपको पता है हमारा YouTube चैनल पे मिलियंस ऑफ हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं इन सारे फैमिली मेंबर्स के साथ हम लोग को एक जो समस्या आमतौर पर देखने को मिलती है वो ये कि काफी सारे स्टूडेंट्स हमसे बोलते हैं कि सर हमें हमारे काम के सेशन नहीं मिल रहे हमें हमारे काम के वीडियोस नहीं मिल रहे आपने अब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं किया आपने ये वाला चैप्टर ये वाला टॉपिक पढ़ाया नहीं है जबकि सब कुछ चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल होता है बस आप तक पहुँच नहीं पा रहा है बिकॉज इतना चैनल जो है हमारा उस पर इतने सारे क्लासेज हैं इतने सारे टीचर्स हैं इतने सारे सेशन हैं इतनी सारी चीजें हैं

के पे क्लिक करेंगे, आपके खुल जाएंगे सॉरी ठीक है जैसे आप सेशन को ओपन करेंगे सेम टीचर जो आपको यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वही यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं कुछ डिफरेंट नहीं है बस केवल एक चीज डिफरेंट है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं तो इंसान पढ़ाई और ज्यादा ध्यान पूर्वक कर पाता है ठीक है तो अब तक अगर आपने वेबसाइट चेक नहीं की है तो प्लीज जाके चेकआउट करिए आपको बहुत अच्छा लगेगा आप आसानी से चीजें पढ़ पाएंगे एंड विद दिस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ आर सेशन फाइनली इस सेशन में हमने क्या किया तो देखो हमारा जो हंड्रेड परसेंट फ्री कोर्स एन टी एस सी रन बाय मैग्नेट ब्रेन उसमें हम सेट के स्टेज वन की तैयारी कर रहे हैं ठीक है मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के हमने किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम दर टू थाउजेंड एटीन टू टू थाउजेंड ट्वेंटी मैं आशा करता हूं आपको सारे सवाल समझ आए होंगे और आप सेशन को लाइक like, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ताकि वो भी पढ़ाई कर सके और आपके साथ वो भी आगे बढ़ सके अपना ध्यान रखें एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन स्टे होम स्टे केयर बाय गुड डे सी यू सुन